I would request our Honorable President, Mr. Surendra Jaggaji, to felicitate Mr. Sanjeev. एरिया में
utmost good faith, because insurance is given on utmost good faith. We sell honesty, we sell trust, we sell जो भी है promises, सपने बेचते हैं या लोगों का risk बेचते हैं, जो भी whatever you do, ये utmost good faith is being sacrificed, and that is the reason why this fraud happened. So today, if you estimate, as per global report, if you estimate in India almost 4,000 to 5,000 crores of losses are being borne in the insurance sector. And this is only what we see. So if you see the top of the iceberg, globally it was 22,258 crore of losses in 2020. And if this continues like this, and after COVID, you all are aware that frauds have gone multifold. आप लोग भी अपने investigation में आपको fraud ज़्यादा मिल रहा होगा. So with that, it is projected that you would reach around 95,000 crores of fraud by 2027. तो आप समझो fraud कितना है. मतलब कोई Fortune 500 company भी इतना business नहीं करता. इतना fraud होता है. And there was a question today, Prashant has asked, कि कितना fraud है? What is our value? हम लोग क्या करते हैं? हमको बहुत सारा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं. ये मैं बताना चाहता हूँ. And if you see, I have just made a small cut over here. कि आज हम कितना investigation करते हैं? So this is a sample, a real time example of what we do in insurance company. So motor business जितना भी होता है, उसका करीब 2.5% केसेस हम investigate करते हैं. उस 2.5% में हमारा सक्सेस रेट मतलब मालूम है ना, आइडेंटिफिकेशन रेट ऑफ फ्रॉड या लॉस मनी इज अराउंड 42%. ओवरऑल का कितना हुआ? ओवरऑल इट इज ओनली 1.08%. मतलब टोटल क्लेम जो कंपनी को आता है उसका सिर्फ 1.08% केस हम कंपनी को आउटपुट देते हैं सेविंग्स के हिसाब से. हेल्थ में अराउंड 3-3.5% केसेस इन्वेस्टिगेट होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, एंड उसमें करीब 45-46% सक्सेस रेट आता है. एंड देयर ओवरऑल में कितना हुआ, अगर टोटल 100 में देखा जाए जितना क्लेम आया, तो क्लेम के ऊपर इट विल बी अराउंड 1.5%. इन द सेम वे कमर्शियल लाइंस इसमें फायर प्रॉपर्टी होता है. एंड दिस आई एम टॉकिंग ऑन काउंट ऑफ केसेस. तो टोटल क्लेम जो आता है कमर्शियल लाइंस में, वी इन्वेस्टिगेट हार्डली 0.5% क्लेम्स, बाकी सब सर्वे होता है. तो 0.5% ही क्लेम हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसमें हमारा सक्सेस 60% प्लस रहता है. जितना कम करेंगे उतना सक्सेस ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना सक्सेस कम होगा. सो ओवरऑल आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली 0.31. तो अभी ये कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के बाद Do you feel investigation is required also? मतलब peanuts है ना? Insurance business का it is peanuts what we do. ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये count पे है. So let us see value wise what we contribute. So value wise when we contribute almost यही, इसको मैंने अगर value में contribute किया तो 250 करोड़ होता है. An insurance company with 250 crores of saving is huge saving. और ये पुराना नंबर है किसी कंपनी का, I cannot name the company because I'm in a public forum right now, but कोई एक कंपनी है जो इतना इन्वेस्टिगेशन करती है, और अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन है ये नंबर, this is not small number, 250 करोड़ का सेविंग होता है. इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता 250 करोड़ का सेविंग है. एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन लॉस रेशियो, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज का, how many of you know about combined ratio मालूम है किसी को? नहीं मालूम है. So this is the irony, we are into investigation, we don't know what is combined ratio. और अगर हमको यही नहीं मालूम होगा तो हम क्या कंपनी के साथ में अपने आप को बराबर कैसे लेके जाएंगे? We say कि सर्वेयर को लाइसेंस है, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को क्यों नहीं मिलता? उसको समझता ही नहीं, उसको सिर्फ यह मालूम है क्लेम आया है, इसको किसी तरीके से इसमें फ्रॉड या कुछ पकड़ के दो ताकि कंपनी मेरे से खुश रहे, बस इतना ही मालूम. इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर कभी आके नहीं बोलता है कि सर मैंने ना
10 केस में से 8 केस को जेन्युइन प्रूफ किया और कोई और इसमें से फ्रॉड बता दे, हम जेन्युइननेस का भी गारंटी लेते हैं ना, तो हम जेन्युइननेस के बारे में क्यों नहीं बात करते, हम हमेशा फ्रॉड ही क्यों बताते हैं? एक्चुअली गलती हमारी भी है, वी ऑल्सो लुक इन टू द सेम थिंग लाइक दैट ओनली, कि अगर कुछ हो जाए ना तो अच्छी बात है। एक्चुअली आप जेन्युइननेस भी प्रूफ करते हो उसमें भी आपकी क्वालिटी पता चलती है, जरूरी नहीं कि क्वालिटी खराब होगा अगर आप जेन्युइन ज्यादा लेके आ रहे हैं, ओनली यू हैव टू प्रूव इट कि कोई और अगर इसमें कुछ गलत निकाल सकता है तो बताइए, एंड दैट विल कम ओनली व्हेन यू विल लुक 360 डिग्री। तो सर जैसा बता रहे थे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी ने उनको बताया कि आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है लॉस इवैल्यूएट करने का, आपका ज्यूरिसडिक्शन है इन्वेस्टिगेशन करने का। मैं एक बात बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन टीम, आपकी सारी ज्यूरिसडिक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यू हैव टू डू 360 डिग्री। मेरे हिसाब से यू शुड डू 360 डिग्री, चाहे अगर मैं भी आके कल आपको बोलता हूँ कि सर आप ये चीज मत देखो, आप इधर आंख बंद कर दो, आप इधर देखो, अरे कैसे है भाई, यू आर इन टू इन्वेस्टिगेशन, आप आंख नहीं बंद कर सकते हो। नहीं तो एक्चुअली इन कमिंग डेज क्या होगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, मैं मतलब इस आज को चालू करूंगा तो, बट इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का इंपॉर्टेंस तभी आएगा जब व्हेन यू गिव रिपोर्ट विद 360 डिग्री, और इट इज ऑफ नो यूज। सी यू आर एनीवे कंट्रीब्यूटिंग यूज 4.3% ऑन लॉस रेशियो, इंश्योरेंस कंपनीज आर रनिंग विद एन एवरेज कंबाइंड रेशियो ऑफ 110%, माने 100 रुपया प्रीमियम लाते हैं 114 रुपया पे करते हैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए वहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का फीस भी ज्यादा रहता है, जनरल इंश्योरेंस को उल्टा हो जाता है। हालांकि ये सही बात नहीं है कि इसके कारण ही फीस वो होता है, बिकॉज अगर बड़ा क्लेम इफ यू हैव टू होल्ड बैक द बिग क्लेम यू हैव टू पे ऑल्सो, सो दैट इज, बट व्हाट आई एम सेइंग बाय डिफॉल्ट आई हैव सीन मेनी टाइम्स द बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी यू विल सी दैट दे आर payout capacity is less and they start negotiating on anything you say. आप मेरे को बोलो 100 रुपए में करूंगा 80 में करूंगा क्या? So that starts. आप life insurance में आप बोलो 100 में करूंगा मैं आपको 120 दूंगा. उल्टा हो जाता है. Anyway, so combined ratio जब 110% चल रहा है in those scenario you are giving 4.3% reduction in losses. It will actually yield to huge profit for insurance company. 10,000 crore की कंपनी है, उसको 4.5% अगर आपने बचा के दे दिया तो कितना सेविंग है? Count wise it is less, I agree. Count wise it is less, but value wise it is this. But still I will say, this is still an iceberg. So we should not be happy कि हम 250 crore बचा रहे हैं और 4.5% impact दे रहे हैं. Actually, if you start investigating properly, if you are good into your team management, you are fast into completing cases, this ratio of investigation will double. This ratio of investigation will double. Why it is coming only this much to you guys? Because पहली बात तो इसमें से success ही इतना है, बाकी तो success ही नहीं है. Might be there are some evidence, but it is not up to mark. Or might be there are genuine cases. सक्सेस का क्राइटेरिया बेसिकली मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर इफ एविडेंसेस विच यू हैव कलेक्टेड इज गोइंग टू हेल्प मी टू कंटेस्ट द केस इन कोर्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आई रेपुडिएट दैट केस, सो मेनी टाइम इट हैपेंस सो दैट मुझे लगता है कि सॉरी मैंने सबके बारे में बता दूँ, मान लो ये चोर है फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है उस दिन रात को उस रूम में ये आदमी गया था, उसके बाद वहां आग लगा और उसके बाद ये बाहर आया, तो बस ये जो दिखा है ये गया है और आया है और आग लगा है, दिस इज नॉट एविडेंस, हम लोग इसी को एविडेंस बना देते हैं, एंड दैट्स द रीजन मेनी टाइम यू सी दैट ओपोनेंट लॉयर केस जीत जाता है। अब ये गया है आया है तो किस चीज के लिए गया था अंदर, वो चोरी करने गया था या वो लॉक लगाने गया था, उसको देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोस, तो हम एग्जैक्ट एविडेंसेस नहीं ला पाते बहुत बार एंड इसके कारण वो सक्सेस में नहीं कन्वर्ट हो पाता। तो एट सक्सेस का क्या होता है कि क्यों मैं बोलूं कि ये सक्सेस है, सबसे इजी तरीका होता है जब वो रेपुटेट होता है तो उसको सक्सेस मानेंगे, रेपुटेट नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं माना, दिस इज मैंने बेसिक होता है मतलब हां जनरल माइंडसेट, वी विल मूव अहेड क्योंकि बहुत से यस सर
What is that company looks by the investigator apart from investigation? So first of all, I will tell you a very important question. After which, on this question, normally no one asks this question. Everyone asks the, "Aap humse expect kya karte hain?" So Zubair sahab, aapne pucha ki aap humse insurance investigation ke alawa kya expect karte hain? So first of all, insurance investigator is an extended arm of insurance company. So when an insurance investigator is going, you are brand ambassador also. So are you behaving like a brand ambassador? मतलब आप जब जाओगे, suppose इनका कोई claim है, तो how I am presenting myself? How I am talking? जैसे सर ने बताया कि पहले you have to acclimatize to the situation. किसी घर में death हुआ है, अब जाते हैं वहाँ investigation चालू, मतलब कैसे death हुआ? Paper दो. अरे बस वो पापा की death हुई है या कुछ XYZ, might be it is a genuine case. और वहाँ चालू हो जाते question answer पूछना. We expect first is you have to be empathetic. आपको empathize करना है उसके situation में. You have to put yourself in his shoes and first एकदम emotional तरीके से जैसा whatever he has faced, because there is a loss which has happened to his house या घर पे कुछ loss हुआ है. So that is most important. Second thing which I feel is you have to help. You have to be helpful. You have to give him solutions. जैसे कुछ issues है, तो you should give him solutions. How to solve those issues? बहुत बार क्या होता है कि now new generations जो आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा समझता नहीं, but वो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं. तो new generations, तो उनको लगता सब खुद कर ले रहे हैं, कर लेंगे. But actually जब these guys they get trapped in a situation, father का death हो गया है, घर में माँ है और बहन है शादी करने का और वो लड़का अकेले है चलाने वाला, तो वहां से इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर दैट गाय टू एक्चुअली वो कैसे चलाएगा. अभी तक तो उसको पता था कि बाप दे रहा है पैसा, तो उसको वी हैव टू बी हेल्पफुल, वी हैव टू गाइड हिम, वी हैव टू बी लाइक हिज फ्रेंड. कि बेटा तेरे कभी ऐसे ऐसे लाइफ में ऐसे करके तो होगा, एंड मेक हिम एज फ्रेंडली एज पॉसिबल. थर्ड इज यू हैव टू obviously you have to be cunning. So this is part of your job. Without being cunning, we cannot survive or our काम नहीं चलेगा. So even though you have got some evidences of the person, you have to still make him understand. ये जो बहुत बार क्या होता है ना कि like suppose when I go on field, I tell the person कि sir देखो ये इस situation के लिए नहीं बनेगा, आप लेकिन tension मत लो. क्योंकि अगर आप इसको जितना ज्यादा पुश करोगे ना उतना ज्यादा यू लीगली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. बेटर है यू मतलब नहीं जरूरी नहीं हर बार विड्रॉ करो, क्योंकि अगर फ्रॉड केस है तो विड्रॉ करने से हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम डेटर्स नहीं क्रिएट कर पाते, हम डेटर्स नहीं क्रिएट कर पाते होने के बाद. लेकिन अगर वो फ्रॉड केस नहीं है, इन्फ्लेशन है या सब छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी उसने लिया हुआ है, तो वहां पे उसको खुद उसको समझाना पड़ेगा कि दुनिया को देखने का नजरिया से बदलो. यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप चोरी के पैसे से अपनी जिंदगी चलाओगे और वो पैसा आप अपने माँ और बच्चे को दोगे, तो उनको क्या शिक्षा दे रहे हो आप? तो यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो. तो ये मेरा शॉट है और मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं ऐसे ही बिलीव करता हूँ कि व्हेनेवर वी गो ऑन एनी केस वो रेपुडिएट भी होने वाला है. और सबसे ज्यादा जैसे सर ने बोला आपका रिलेशन खराब होना ही है, मैं इसको और रिलेशन तो खराब होता ही है, बट यू विल फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जब आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा आप क्लेम रिजेक्ट करने के बाद. और आप करके देखिए, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. बाकी कोई कुछ बोले ना बोले, you will lead a more happy life and your family and your थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा बातें. बट आई विल टेल यू दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपके साथ आपको क्लेम रिजेक्ट करना ही है, क्योंकि आप अपनी रोजी रोटी से धोखा नहीं दे सकते हो, आप कुछ छुपा नहीं सकते हो, कुछ वो नहीं कर सकते हो. बहुत बार क्या होता है, लाइक yesterday आई वॉज डूइंग वन इन्वेस्टिगेशन इन पुणे. सो इट वॉज एन एम्प्लॉय फ्रॉड केस. अब वो बंदे का सैलरी है 22,000 रुपये एंड द गाय हैज बीन आइडेंटिफाइड डूइंग सबमिटिंग फेक डायग्नोस्टिक बिल्स. उसकी बातें सुना, पापा मर गए,
माँ मर चुकी है, बीवी है, अभी वो चल रहा है, हर बार वो लोग कैंसर से मर रहे हैं तो उसको भी कैंसर हो सकता है। और दोस्त ज्ञान ही ज्ञान उसने सब दिया, रोने लगा उसके साथ। मैं भी उसके ही माहौल में ढल के वैसे ही इमोशनल सिचुएशन में आया। सारी बात हो गई बेटा, तू चिंता मत कर, तू सच सच बता सब कुछ। लास्ट तक वो बताया मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। एक्चुअली आई वॉज एक्लिमेटाइजिंग टू द सिचुएशन, मैं वहां से निकला। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में उस साइड जाके आप देखते हो तो आप भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हो बाद में। अगेन आई हैव टू कम बैक, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप डायग्नोसिस टेस्ट करते हो तो सारा टेस्ट भी करोगे तो 3,000-4,000 होगा ना, 7,500 का बिल कैसे हो रहा है। और वहीं पे फिर वापस आई केम बैक एंड मैं बोला कि जितने बड़े बड़े लैब्स हैं इंडिया में सारे का ऑनलाइन ग्रेड्स चेक करो, देते हैं ना कि सीबीसी का इतना टेस्ट का कॉस्ट है इसका, सारा निकाल रहे तो एवरेज कॉस्ट ही 3,200 आ रहा है, तो डबल कॉस्ट है। तो अब क्लेम, अब उसकी तो नौकरी तो जाएगी बेचारे की। बट अब एज ए ह्यूमन बींग अब उसको, अब मैं अपने लेवल पे बताऊँ, जितने लोगों की नौकरी ले लेता हूँ गलती से उतने दूसरे लोगों को नौकरी लगाता भी, तो वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। मैं आपको बताता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जितने लोगों का क्लेम आपके कारण रिजेक्ट होगा, जितना लॉस होगा, वैसे कोई दूसरे दूसरे जरूर उसको नहीं दूसरे किसी जेन्युइन आदमी को आप हेल्प जरूर करेंगे, यू हैव टू बी मोर हेल्पफुल। तो ये मेरे को लगता है सर दो चार चीजें आपको करना चाहिए, बाकी तो यू विल ऑलवेज बी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ मॉड, सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज का बेसिकली दिस रिपोर्ट सेज टोटल इंडिया में द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच आर फ्लाइंग विच आर लाइसेंस व्हीकल, ये 2018 का रिपोर्ट है या 2019 का लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आया हम आपको। सो 29 करोड़ ऑलमोस्ट 29.58 करोड़ व्हीकल्स आर फ्लाइंग इन द रोड। आउट ऑफ दिस 75% व्हीकल्स आर टू व्हीलर, 75% ये करीब करीब 75 ही होगा ना, 29 करोड़ से 22 करोड़ को आप अगर आगे करके 75%, तो इतना परसेंट गाड़ियां टू व्हीलर है एंड दिस इज फोर व्हीलर इज अराउंड 12%। तो ओवरऑल वी हैव कैटेगराइज दिस इनटू टू व्हीलर फोर व्हीलर बस गुड्स कैरिंग व्हीकल एंड यू विल सी दैट आउट ऑफ दिस जो डेथ रेशियो है सो एक्सीडेंट की ओके सो फ्रॉम दिस इफ यू सी तो 22,000 से 17,000 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, यस विच इज 0.01 यहाँ पे 0.03 से डेथ हुए डेथ। सो दिस इज द डेथ रेशियो 0.01 आफ्टर एक्सीडेंट जो टू व्हीलर से होने के बाद डेथ होता है। तो फोर व्हीलर से 0.03% डेथ होता है, फ्रॉम बसेस 0.15% डेथ होता है बसेस के एक्सीडेंट से। सो दिस इज डेथ रेशियो एंड ओवर हियर वी हैव we have made our accident as per the collusion. So total accident in a year 2019 449,000 accident हुए थे and out of this if you see these are the reasons of accident, hit and run, hit from back, hit from side, है ना, ये run on road, ये सब अलग अलग रीजन है। इसलिए इफ यू सी दिस हिट एंड रन 16%, मतलब आज भी रोड एक्सीडेंट होता है तो 16% एक्सीडेंट ऐसे है जो पता ही नहीं चलता कि किसने मारा, ठीक है। ये होता है हेड ऑन कलिजन 20% है, हिट फ्रॉम बैक ये भी 20% है, पीछे से आके गाड़ी ने मारा। व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस टू पॉइंट, I will share one example of this. क्योंकि बहुत बार मोटर टीपी में आई, how many of you are into 100% मोटर टीपी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादातर यहाँ कमर्शियल वाले लोग ध्यान देते हैं, करते हैं अभी तो करते हैं, ठीक है। So hit from back को बोला जाता है उसमें क्या problem है, बैक से हिट किया तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। आई विल शेयर एन एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑन दिस व्हिच हैज हैपेंड कि हिट फ्रॉम बैक में भी इंश्योरेंस कंपनी कैसे अपने आप को सेव कर सकती है अपनी लायबिलिटी। सो आउट ऑफ दिस
जो आइडेंटिफाइड गाड़ियां है उसमें से आप देखो ओवर स्पीडिंग के कारण 71% एक्सीडेंट होता है, ओवर स्पीडिंग। नन ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैप्चर्स दिस, बहुत कम कैप्चर होता है या होता भी होगा तो लेस देन 1%। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट कैप्चर दैट। वो कैप्चर करने के बाद खाली वो कैप्चर करने से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग से एक्सीडेंट हुआ, तो ठीक है मालूम है, बट हाउ कैन यू प्रूव दैट दैट ही वाज ट्रैवलिंग मोर देन द एवरेज रेट। सो दिस विल नॉट हेल्प मी टू रेपुडिएट द क्लेम, बट दिस विल हेल्प मी टू एटलीस्ट नेगोशिएट इन कोर्ट, इट विल हेल्प मी टू नेगोशिएट व्हाइल आई एम सेटलिंग द केस, एंड नेगोशिएशन मे रेंज फ्रॉम 5-10% टू 40-50%। तो ये मैं आपको एक केस स्टडी यहाँ पे बताऊंगा विच हाउ इट हैज हेल्प। सो दिस इज द केस स्टडी, इनफैक्ट ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। लिटिल थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि एक तो खाना खाने के पहले हो रहा है सेशन, तो अगर ज्यादा बोरिंग होगा तो बीच में हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा कर सकते हैं इफ यू ऑल आर ओके, या इफ यू ऑल आर ओके तो फिर एंड तक करेंगे। सो दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड इन दिल्ली अक्षरधाम धार, अक्षरधाम टेम्पल है वहां की बात है। सो इफ यू गो थ्रू, ओके, सो व्हाट वाज, सो देयर वाज अ ट्रक, देयर वाज अ ट्रक व्हिच इज इंश्योर्ड विद बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एंड देयर इज अ स्कोडा ऑक्टिवा कार व्हिच हैज कम फ्रॉम बिहाइंड। तो मैंने बताया ना हिट फ्रॉम बैक वाला केस, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें हिट फ्रॉम बैक भी है और इसमें ओवर स्पीडिंग भी इस केस में। अब नॉर्मली क्वेश्चन ये आया कि ट्रक हैज सडनली अप्लाइड ब्रेक एंड बिकॉज ऑफ विच पीछे से गाड़ी आके उसको ठोक दिया, तो गलती किसकी है, ट्रक की है, सडनली ब्रेक लगाया है कि नहीं? Yes, yes. ट्रक ने सडनली ब्रेक लगाएगा तो पीछे वाली गाड़ी तो आके लड़ जाएगा उससे। Yes. तो इस बेसिस में क्लेम हैज कम टू 1.4 करोड़ का क्लेम आया, 1 करोड़ का लॉस है मोटर टीम में। अब इसमें आगे व्हेन वी गेव दिस टू आवर रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी एंड दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड 2.5 years prior to जब ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया। So normally it happens that like motor own damage cases में या fire cases में we do reconstruction approximately within 6 months, एक साल के अंदर हो जाता है। Motor third party में cases we receive after average 1.5 to 2 years। उसके बाद normal investigator ही ले लेता है उसमें 90 दिन 100 दिन वो ले लेता है। उसके बाद decide होता है कि अब इसमें reconstruction करना है क्या, और करके फायदा भी है क्या, क्योंकि वहाँ का रोड था और रोड के जगह ब्रिज बन गया होगा अभी, है ना, और कितना चेंजेस हो जाता है, तो रिकंस्ट्रक्शन का फायदा क्या है। बट वी वेंट ऑन डूइंग द रिकंस्ट्रक्शन इन दिस केस एंड दिस वाज डन, रिकंस्ट्रक्शन वाज डन आफ्टर सम 3 इयर्स के बाद ये हुआ। सो आवर फॉरेंसिक एक्सपर्ट व्हेन ही डिड द रिकंस्ट्रक्शन, ये सब वेदर का क्या मूवमेंट था उसमें लिखा है। सो दिस इज द स्टेज, ये टाटा ट्रक है, दिस इज इंश्योर्ड विद बजाज, and this is the Skoda vehicle which was coming from behind, and this is the eyewitness police report ke sab se. So he has, abhi dekhiye yahan pe ye gaadi aake ye left turn kar rahi hai aur gaadi yahan lad chuki hai, theek hai. So this is the RC book of the Tata truck, laden weight wagera wo sab dekhne ke liye, and then yahan pe the person has derived some calculation. Suppose if truck was traveling at a speed of 50 km per hour, तो वहाँ पे लिखा हुआ था truck was overspeeded, तो उसका distance in meters कितना होगा, all those, and if they apply weight, if they suddenly apply brake, after how much distance the truck will go and it will stop. So if a truck is at 60 or 70 के speed में, so it will stop after 177 meter, brake लगाने के उतने देर के बाद जाके रुकेगा। अभी ऐसे ही द अदर पार्ट वॉज डन फॉर स्कोडा व्हीकल। अभी स्कोडा व्हीकल का ये डिटेल्स है, ये स्कोडा व्हीकल ऐसा ट्रक में पीछे से एंटर हो गया, एंड दिस इज द रियल टाइम फोटो ऑफ दैट व्हीकल। सो इट वॉज, अब ये स्कोडा का स्पीड है, ये
इफ द व्हीकल वाज एट 50 के स्पीड पे तो वो गाड़ी कितने दूर पे रुकेगी 60 70 80 90 फाइनली इट वाज एस्टैब्लिश दैट दिस व्हीकल वुड हैव स्टॉप्ड आफ्टर 90 और 95 के स्पीड पे वो एरिया जो अक्षरधाम एरिया है वहां रश रहता है वहां पे आप ज्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चला सकते वहां पे आपका एवरेज स्पीड 40 का 50 का होगा एनीवे रात को 3 बजे के आसपास का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए हो सकता है कि थोड़ा स्पीड हो बट फिर भी यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड सर्टेन स्पीड एंड देन दिस फाइनली ए ट्रक का इस पार्ट में एक्सीडेंट हुआ था इट गॉट कंक्लूडेड दैट टाटा ट्रक एट द गिवन स्पीड ऑफ 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर विल स्टॉप एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 177 या 229 स्पीड कंसीडरिंग द रिएक्शन टाइम एंड सेफ स्टॉपेज टाइम अगर इस ट्रक वॉज लोडेड तो और दूर में जाकर रुकेगा अगर लोडेड होगा इन द सेम वे एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ स्कोडा व्हीकल इज नॉट लेस देन 90 और 95 तभी जाके वो स्कोडा जाकर पीछे से उसको मारा ना सो और स्कोडा का स्कोडा गाड़ी वाले ने अपने आप को स्कोडा वाला अपने आप को ज्यादा स्पीड में था दे ट्राइड टू स्टॉप सडनली या अपने आप को लेफ्ट करके रोकना चाहता था ट्रक में ना लड़े तो रोकते रोकते में उसका टकरा गया लास्ट सो दैट वाज द रीजन यू कैन सी दैट द राइट हैंड साइड उसका So this evidence we got, and then this investigator was called in court also, and he presented this case, and finally the court gave us judgment that 40% of reduction in the liability for the insurance company. एक करोड़ के केस में 40 लाख रुपए एक बार में बचता है एक reconstruction से. इसी और इसमें hit from behind है. मैंने ओवरऑल अगर देखा है तो केस में पुलिस तो चार्जशीट कर चुका था बजाज को तो ऑलरेडी पे करना ही था 1 करोड़ रुपया सो दिस इज हाउ रिकंस्ट्रक्शन हैज हेल्प्ड अस एंड दिस इज व्हाई ओवरस्पीडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो वेदर एक्सीडेंट का कॉज क्या था और उसको रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाना चाहिए सो दिस इज अगेन गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ये कितने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस थे 72% were valid driving license and learner license was 4.9% so almost 5% accident happened because of learning license in our investigation report again we don't identify that ki learning license se baaju mein kaun baitha tha ki nahi baitha tha air laga tha ki nahi laga tha all those important areas aur agar wo laga tha to police ne usko kyon nahi likha apne charge sheet mein aur nahi likha charge sheet mein to what should I do that police usko charge sheet mein likhe The investigation has to go beyond what we used to do earlier. अभी हम अपना रिपोर्ट लाके बोलेंगे वो इनवैलिड ड्राइवर वो या 15 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था अरे 15 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था तो उसके बाजू में कौन बैठा था उसके घर में कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो एल लगा था कि नहीं लगा था बोर्ड पर पुलिस ने उसको कैप्चर नहीं किया तो पुलिस को क्या बोलूंगा कि कैप्चर करेगा जैसे यू आर शोन वन टॉल लड़का का फोटो उसमें दिख रहा है कि मान लो वो लड़का ही गाड़ी चला रहा है या लड़की कोई गाड़ी चला रही है फॉर एग्जाम्पल जबकि ड्राइविंग लाइसेंस हैज बीन पुट ऑफ समवन मेल ऑपोजिट मतलब दूसरे जेंडर का सो दैट एविडेंसेस देखने के बाद यू हैव टू गो टू द पुलिस यू हैव टू टेल द पुलिस कि सर आपने ये चार्जशीट कैसे फाइल किया इसमें तो ये दिख रहा है सो आइदर यू अमेंड दिस और दिस विल गो अगेंस्ट यू आल्सो एंड वी हैव अमेंडेड पुलिस चार्जशीट मैं खुद चार्जशीट अमेंड किया हूं मोटर थेफ्ट केसेस में थेफ्ट में 2-3 बार किया हुआ है So we'll move ahead. So going forward, now it is always a big issue for the insurance investigators कि हमें record नहीं मिलता है police से. Have you faced these issues? Yes. Record नहीं मिलता है. And this record नहीं मिलता है क्योंकि police सब manual काम करती है. ज्यादातर manual activity है. अब वो कौन खोजेगा वो सबके से जाकर निकालेगा. So just for your information, now almost 80% of police stations have been digitalized. अगर आप ये देखोगे ये रिपोर्ट है दिस 90% प्लस ये ग्रीन वाले व्हिच हैव बीन डिजिटलाइज्ड ये उनका डैशबोर्ड है पुलिस आर रिकॉर्डिंग एफआईआर्स ऑनलाइन या उनके सिस्टम में सब रिकॉर्ड हो जाए ओनली अगर आप देखोगे ये बिहार 40-49% बिहार में है जो कम है बाकी ये 50% है मिजोरम में का यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेटर होगा भी तो यहाँ के आप लोग 2-3 लोग हो जिसको मालूम है कि इतना परसेंट ही है तो देयर इज चैलेंज व्हेयर व्हेन इट कम्स टू महाराष्ट्र एमपी इधर में कर्नाटका आंध्र प्रदेश ये सब टॉप
चलता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज सब कुछ अप्रोप्रिएट तरीके से कैप्चर होता है। सो व्हाट, सो टुडे सेंट्रलाइज क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी गवर्नमेंट के पास है, वेयर दे कैन एनालाइज द क्राइम पार्ट पैटर्न रोड्स एंड इवन अदर एक्सीडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर देयर। बट दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग देम टू बेटर कोऑर्डिनेट विद द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मतलब डिजिटलाइज एफआईआर 80% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओके। सो ये बेसिकली कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एनसीआरबी के पास, नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो के पास, वेयर दे बेसिकली एनालाइज द रिकॉर्ड एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के डेटा। टुडे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेटा फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। सो द डे एक्सीडेंट हैपेंस विदिन फ्यू आवर्स दे हैव टू दे स्टार्ट गिविंग द रिपोर्ट। हाउ, व्हाट हैज हैपेंड, आई विल एक्सप्लेन। सर, स्पीकिंग ऑफ एफआईआर, यस, हैंडिंग ओवर ऑफ एफआईआर फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटी, यस, पार्डन, एफआईआर, यू सेड फ्यू स्टेट्स आर लाइक गिविंग द ट्रैफिक एक्शन, आई विल कम टू दैट, दैट्स द फैक्ट एंड हाउ दे आर गिविंग, दैट इज देयर इन देयर। सो दिस इज द फ्रॉड एंड क्लेम इन्फ्लेशन रिस्क, हाउ वी, आई विल कम टू दैट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन द अदर स्लाइड्स। सो बेसिकली मोटर थर्ड पार्टी एक्सीडेंट क्लेम्स, दीज आर द मेजर फ्रॉड्स विच वी हैव आइडेंटिफाइड, लाइक ड्राइवर इज बीइंग इम्प्लांटेड और व्हीकल गेट इम्प्लांटेड और इवन पेटिशनर गेट इम्प्लांटेड, जो मरा है वो भी इम्प्लांटेड ही है, उस एक्सीडेंट से नहीं मरा हुआ, एंड इंश्योरेंस कवर इम्प्लांट हो जाता है, फिर कवर नोट्स वगैरह। सो हाउ, व्हाट आर द ट्रिगर्स ओवर हियर, सो फॉर ड्राइवर इम्प्लांट, नो इंजरी टू ड्राइवर, सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड और हाउ विल यू गो टू द नेक्स्ट लेवल व्हाइल डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ मोटर थर्ड पार्टी। सो लेट अस सी दिस, इफ देयर इज नो इंजरी टू ड्राइवर, there is no blood, okay, the driver is, many times it happens so that कि मेरा गाड़ी है, मेरे बच्चे ही चला रहे हैं, या उसका कोई relation नहीं आ रहा है, then you will find this, या close friend या same locality के लोग आपको देखो तो बहुत बार driver बने, many times you will see, because even in our Bellary cases, if you recall Prasanna ji, almost all drivers, all eyewitnesses of same family के लोग रहेगा driver, अरे मैं अपने घर का गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं आपको, आप मेरे भाई हो, आपको ड्राइवर बना के थोड़ी ले जाऊंगा, मतलब ठीक है ड्राइवर बना के ले जाना, पेड ड्राइवर नहीं है, जरूरी नहीं है, बट एवरीवन विल हैव लाइक दिस ओनली सिचुएशन, तो देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ सस्पेक्ट फॉर यू टू गो डी। देयर इज अ चेंज ऑफ ड्राइवर नेम इन ओन डैमेज केस, वेयर एज देयर इज अ डिफरेंट ड्राइवर नेम इन मोटर थर्ड पार्टी केस, दैट इज अगेन अ ड्राइवर इम्प्लांट का चांस, सेम ड्राइवर इन्वॉल्वड इन मल्टीपल एक्सीडेंट्स, एक ही आदमी कई जगह आ रहा। अभी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद आईआईटी एंड आई एम वर्किंग ऑन इंडस्ट्री ट्रिगर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वी वर टॉकिंग टू लाइक प्रशांत कि व्हाट ट्रिगर्स आर नॉट देयर, मैं अपने डेटा में तो बहुत कुछ मिल जाता है, बट अगर हमारे यहाँ का कोई चोरी किया हुआ गाड़ी है और वो दो साल बाद लोम्बार्ड में जाके इंश्योरेंस ले रहा है, मतलब वो ट्रैक कर रहे हैं, वो गाड़ी मिलेगा ना मुझे, क्योंकि चांसेस है मिलने का, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग आईआईटी के थ्रू निकालना चालू कर चुके हैं। वैसे ही अगर एक बंदा एक्सीडेंट कर रहा है एंड ही इज इन्वॉल्वड इन मल्टीपल एक्सीडेंट, एक लोम्बार्ड की गाड़ी में, एक बजाज की गाड़ी में, एक न्यू इंडिया, एक नेशनल, एक फलाना, सब सब जगह उसी ड्राइवर का नाम है, तो इज एन इम्प्लांटेड ड्राइवर। सो दिस आर द ट्रिगर्स, ये मैंने अपने डेटा पे निकाला तो 3,580 ऐसे रेड फ्लैग निकले हमको ड्राइवर्स। इसमें मैं सर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र बॉम्बे में ही ने कई एमएससीटी क्लेम किए, उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, जैसे आपने बताया कि विटनेस भी एक है, पंचनामे में जो बन रहा है वो सब कुछ एक है, ड्राइवर एक है, स्पॉट भी उनके कुछ सिलेक्टेड थे, तो बाद में जब हम उसके रूट कॉज में पहुंचे तो ऐसी 6 एजेंसीज हमने आइडेंटिफाई करी, जिसमें एडवोकेट जो थे वो 6 एजेंसी चला रहे थे और एमएससीटी क्लेम जो थे वो पूरा बना के फैब्रिकेट करके, जिसने पुलिस अथॉरिटीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेके एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं और उसको एक्सीडेंट का मतलब वो एजेंसी पूरा नेक्सस बना के वो एमएससीटी क्लेम्स में वो काम चल रहा था। अभी ये जो इनिशिएट कहाँ से होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले एडवोकेट का आदमी वहाँ पहुँचता है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो है इसका क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन हमें दो, और आज
पे ये कहना चाहूँगा इस फोरम पे कि वो एडवोकेट जो है वो पुलिस वाले को कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये देता है कि ये केस मेरे पास आना चाहिए। उसके बाद में वो एजेंसी का काम शुरू होता है। एक बार केस उसके पास आ गया, क्लाइंट उसके पास आ गया, फिर उसको पंचनामा कैसे बनवाना है, कौन से ड्राइवर को फिट करना है, कौन सा स्पॉट दिखाना है। उनके पुलिस स्टेशन भी बंधे हुए हैं कि ये स्पॉट पे लेके जाओ, वहाँ पे FIR इमीडिएट हो जाएगा। तो ये जो NACP में जो नेक्सस चल रहा है, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हमारे लॉसेस को बढ़ा है। तो चिंता मत करिए सर, इस नेक्सस का एक तोड़ निकाला गया है। आई विल, जब मैं बताऊंगा कि वो FIR वाला जो प्लानिंग उस समय इसका भी एक सोल्यूशन देता हूँ। तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी बिक जाएगी अगर मोटर थर्ड पार्टी ठीक से ना चले। इंश्योरेंस कंपनी विल बी सोल्ड आउट अगर प्रॉपर तरीके से मोटर थर्ड पार्टी का इन्वेस्टिगेशन ना हो। एंड दिस इज सच अ बिग होल इन द पॉकेट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द कंबाइंड रेशियोज गो बियॉन्ड। और आप हर साल आपको दिखता होगा कि मोटर का इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, टीपी प्रीमियम बढ़ते जाते हैं और उसके कारण ओवरऑल आपका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ता है, जबकि आपने कोई क्लेम भी नहीं लिया है, NCV भी मिला है, उसके बाद भी आपका कॉस्ट सेम है या बढ़ गया। तो आपको लगता है क्या कर रही है, चोरी कर रही है क्या इंश्योरेंस कंपनी? एक्चुअली चोरी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? प्रॉब्लम ये हो गया है कि लॉसेस इतना ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने तो जो आज जो रेट बढ़ता है वो पिछले 4 साल के फ्रॉड के बेसिस में बढ़ रहा है। आज जो सिस्टम में इफ देयर आर सम चेंजेस आल्सो व्हिच इज हैपनिंग, द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग आफ्टर 2 or 3 years। तो गवर्नमेंट इफ दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग अस विद वॉट एवर वे दे आर डूइंग, द रिजल्ट्स विल नॉट कम इमीडिएटली। एंड आई विल टेल यू हाउ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज गोइंग टू हेल्प द एंटायर कस्टमर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एंड इवन इट विल स्टॉप द फ्रॉडस्टर्स टू अ ह्यूज ग्रेट एक्सटेंट। मैं आता हूँ उसके ऊपर। सो सेकेंड वन इज लाइक व्हीकल इम्प्लांट, इसमें अगर डिले इन FIR, इफ नॉर्मली आफ्टर एक्सीडेंट FIRs आर हैपनिंग आफ्टर 7 days, और हिट एंड रन केस, सो एक्यूज ड्राइवर, सो मेनी टाइम इट वॉज अ हिट एंड रन केस इनिशियल इन द FIR और बाद में ड्राइवर कोई रिलेटिव ही है, अब ये तो या नेबर है, सुनने में लग रहा है ना फ्रॉड होगा, वैसे ही होता है फ्रॉड, ऐसे ही ड्राइवर इम्प्लांट व्हीकल इम्प्लांट होता है, या वो लोग अपना ही गाड़ी लाके हिट एंड रन केस हुआ तो बाद में पता चला मेरा नेबर ने मारा है। तो आई रिकॉल वन केस व्हेन आई वाज टॉकिंग टू जुबेर, बहुत साल पहले की बात है, 15 years बैक, वो एक ट्रैक्टर वाले ने मारा अपने चाचा को, तो कैसे मार सकता है जुबेर जी? एंड दिस वाज द क्वेश्चन वी स्टार्टेड, कि वो कैसे अपने चाचा को नहीं पहचानेगा और वो ट्रैक्टर लेगा चाचा को मार दे, बोले वो टर्निंग पे जा रहे थे तो मार दिया। तो कैसे मार दिया भाई, मतलब शाम को 5 बज रहे हैं, सूर्य अस्त भी नहीं हुआ है कि दिखेगा नहीं आदमी, तो दिस इज हाउ बेसिकली रिलेटिव है। तो दो लोग भी बैठे हैं ना तो तीसरा आदमी बीच में बैठा था, वो ट्रिपल राइडिंग था गाड़ी, उसको इम्प्लांट करते थे कि he was a pedestrian। तो pedestrian देखते ही पहले तो आपको शक आ जाना चाहिए। You might have been traveling to locations, villages वगैरह में where you are seeing कि एक ट्रक के पीछे कई लोग जा रहे हैं, अब बाद में वो सारे लोग एक्सीडेंट होने के बाद वो pedestrian बन जाते हैं और वो ट्रक में जाके सबको मारते हैं। एंड मैक्सिमम बैच केसेस, सो बैच केसेस बोलते हैं इसको, एंड वन एक्सीडेंट से मल्टीपल एक्सीडेंट क्लेम आए, तो उसमें यू विल सी द मैक्सिमम बैच केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट नेचर यू विल गेट इट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और फ्रॉम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, बहुत ज्यादा है, इवन बिहार से, बिहार बेल्ट में भी इस टाइप का फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इन दोज एरियाज, अगर आपको कभी भी बैच केसेस आता है और एक ट्रक ने मार दिया कई लोगों को चलते हुए, है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड है, या टू व्हीलर ने मारा है समझ लो फ्रॉड है। डेट ऑफ एडमिशन varies, the hospital location is more than 50 kilometers, 50-50 kilometer door road accident होने के बाद आप admit हो गए, how it is possible, that cannot be your first hospital admission, आप वहाँ से MNC लेके आते हैं, and our investigator also, they also लेके आते हैं, कितना मेहनत करता हूँ आप कुछ भी आप,
अप्रिशिएट नहीं करते हो यार, अरे 50 किलोमीटर दूर गया है भाई वो एक्सीडेंट होने के बाद, रोड एक्सीडेंट है, रिमेम्बर दिस इज रोड एक्सीडेंट, दिस इज नॉट शेड्यूल्ड ऑपरेशन, कैंसर नहीं है या किडनी का ऑपरेशन नहीं है जो मैंने शेड्यूल किया डॉक्टर से कि मैं बॉम्बे में जाकर ट्रीटमेंट लूंगा या अपोलो क्लिनिक में जाकर ट्रीटमेंट लूंगा, ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपको तुरंत सबसे पहला हॉस्पिटल में जाना है जो बचा पाए आपको जिंदगी, फर्स्ट एड, हाँ फर्स्ट एड मिल पाए, वो हॉस्पिटल में एमएलसी चाहिए, अगर वो नहीं है समझ लो कुछ लोचा है उसके, हिस्सा हुआ था अगर प्रॉब्लम मिल जाए ओके। सिमिलर वे नया टाइप का फ्रॉड आया रिसेंट, नया टाइप का फ्रॉड एंड गवर्नमेंट ह्यूज लॉस में गवर्नमेंट भी है, दिस इज अ फ्रॉड विच हैज हैपेंड विच हैज स्टोलन मनी फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो, कैसे मैं बता, सो व्हाट हैज हैपेंड इज रिसेंटली ऑलमोस्ट 1.5 years बैक वी आइडेंटिफाइड फ्यू केसेस फ्रॉम बिहार जिसमें रोड एक्सीडेंट हुआ, द पॉलिसी वॉज टू व्हीलर पॉलिसी, व्हेन वी वेंट एंड मेट इट वॉज अ कमर्शियल व्हीकल, सो कमर्शियल व्हीकल केस है, एक्चुअली उसका ट्रक है बट पॉलिसी टू व्हीलर है, अरे जब हमको ये पता चला कि ये ऐसा है तो वी स्टार्टेड, ये कैसे हो सकता है, गलती से तो टू व्हीलर नहीं दिया है, देन वी केम बैक, उसके कुछ दिनों बाद फिर साउथ में केरला वगैरह में कहीं पे वैसे ही एक दूसरा केस आया, फिर से टू व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ बट एक्चुअली इट इज नॉट टू व्हीलर इट इज फोर व्हीलर, देन वी स्टार्टेड लुकिंग बैक इन आवर डेटाबेस, अब डेटाबेस में देयर इज नो प्रोसेस करंटली टू चेक की विच सेगमेंट ऑफ द व्हीकल इट इज, मतलब व्हीकल सेगमेंट कैप्चर नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कैसे बिजनेस करती है वो भी बताऊंगा आपको, हंसी आएगा सुन के बट वो करना पड़ेगा, उसके भी पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, अच्छा अगर एनी वन यू फील बोर्ड तो प्लीज मुझे बताइए, मतलब बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम माई टाइम है ना, कि आपको बोरिंग हो तो उससे अच्छा क्रिमिनल लाइफ में चले जाए, सो व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग इन आवर डेटाबेस हमने व्हाइल गिविंग पॉलिसी वी डोंट कैप्चर कंप्लीट इंजन नंबर और चेसिस नंबर ऑफ द व्हीकल है ना, वी डोंट कैप्चर दैट इज वन फ्लॉ, सेकंड फ्लॉ व्हेनेवर वी परचेस समवन परचेसेस न्यू व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी इज गिवन टू हिम इमीडिएटली, उसके बाद गाड़ी का नंबर आता है तो गाड़ी का नंबर भी नहीं आता कई बार नई नई गाड़ियों में, तो वो बाद में आता है, तो सेकेंड ईयर रिन्यूअल में आपको नंबर मिलेगा, अब क्या होता है कि देर इज नो डेटा बेस फ्रॉम वेयर आई कैन गो एंड चेक कि वेदर ये गाड़ी टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है, अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है आपने बोल दो आपके पास ट्रक है और आपने बोल दिया कि भैया ये टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का पॉलिसी इशू हो जाएगा, वो गाड़ी नंबर लिखने के बाद या उसके इंजन नंबर लिखने के बाद, तो आपके लिए जो उसका प्रीमियम 40,000 या 30,000 का होने वाला था वो 1,000-1,500 का प्रीमियम भी निकल जाओगे, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, पुलिस को ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, पॉलिसी देखेगा जाओ गाड़ी आगे बढ़ाओ, सो ये फ्रॉड वॉज हैपनिंग, नाउ हाउ गवर्नमेंट हैज गॉट चीटेड, गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स जीएसटी फलाना ढंका जो भी जाता है वो नहीं गया, वो कम अमाउंट का गया, पॉलिसी में जो सीसी लिखते हैं इंजन का उससे कैप्चर नहीं करता है, नहीं कर रहा है, अब आप जो सीसी लिख रहे हो जब आप टू व्हीलर लिख लिए हो आपने लिख दिया कि होंडा हीरो होंडा गाड़ी है ना, तो खत्म हो गया ना आपका मतलब उसमें वो सीसी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो सीसी कैप्चरिंग भी नहीं होता है कुछ कुछ, बट व्हेन वी टेक अ पॉलिसी आई विल राइट मेक मॉडल, तो मेक मॉडल जो आप डिक्लेयर करोगे वही होगा, वो सीसी का मैंडेटरी आता है वो एक्सेस क्लास का भी मैंडेटरी है, तो आप जब होंडा कार लिखोगे तो उसका जो सीसी है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम में बिल्ड है, वो आता है सीसी से रिलेटेड नया फ्रॉड बताऊंगा आपको, अभी पहले ये वाला बता देता हूँ, तो बता ही देता हूँ आपको, वैगनार गाड़ी दो सीसी में आती है, एक 1200 के और एक 800 के आसपास, 800-900 1000 के नीचे सीसी का कॉस्ट अलग हो जाता है, 1000 के ऊपर का उसका प्रीमियम कॉस्ट अलग हो जाता है, भले 1200-1300 सीसी का गाड़ी हो वो 1000 के नीचे वाला दिखा के कम प्रीमियम में निकालते हैं, ये एक नया फ्रॉड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, सो लेट अस कम टू बैक टू दैट पहले वाला व्हीकल सेगमेंट में, सो व्हाट वी डिड वी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द इंजन नंबर चेसिस नंबर, टाटा की गाड़ियों का जो चेसिस नंबर या इंजन नंबर है बीच में कुछ
ऐसा कुछ लिखा रहता है, उसे पता चलता है कमर्शियल है। तो हमने जब टू व्हीलर के सेगमेंट से सारे केसेस निकाले जिसमें ये नंबर लिखा था, तो हमें ऐसा अंदाजा हुआ कि ये दिस वुड हैव बीन अ कमर्शियल व्हीकल। सो दैट नंबर वाज कमिंग अराउंड 8000 केसेस। विद दैट 8000 केसेस वी वेंट टू मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे के पास, वी वेंट देयर एंड वी मेट मिस्टर जैन इन नेशनल इंफॉर्मेटिक सिस्टम। देखो कितना गवर्नमेंट से काम करवाना इज नॉट इजी। अब जाके बोलोगे कि इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो रहा है तो दे विल नॉट चल निकल, है ना, इज नो वैल्यू। वहां जाके बोलना पड़ेगा सर गवर्नमेंट को कितना लॉस हो गया। पहला तो गवर्नमेंट को लॉस बताओ, और सरकार को तो चाहिए पैसा, और आज की सरकार को तो और भी रास्ता चाहिए पैसा निकालने का। तो पहले तो उनको सीधा हो गया कि भैया ये तो गवर्नमेंट को लॉस है। सेकेंड हमने बताया कि सर ये अगर क्लेम आ भी जाता है तो क्लेम पे नहीं होगा, तो गरीब लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। बेचारा उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया उसको, क्योंकि हम तो जब देखेंगे पॉलिसी में डिफरेंस है तो क्लेम नहीं देंगे ना उसको कि ये ट्रक है, बट मोटर टीपी में पे करना पड़ता है। ये बात तो हमने नहीं बताया उनको, मोटर टीपी में पे करना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। जो बताना है वो बता, जो बताया गवर्नमेंट हैज हेल्ड अस कि उसके बाद देन से आज वी कैन नॉट गिव ऑल इंफॉर्मेशन टू बजाज, वी शुड हैव सम बॉडी, सो वी टुक GIC with us and then we went there again and then finally government से हमने बोला था कि हम अगर vehicle number, they gave us a portal where there will be integration with all insurance companies. Once you write the engine number, chassis number and the vehicle number, it will automatically populate that this is a four wheeler, this is a commercial vehicle, this is two wheeler, and then this kind of frauds has can be curbed. अब what was the differential amount? एक्चुअली अगर उसको सही पॉलिसी दिया होता तो मैं बजाज को कितना प्रीमियम मिला होता, दिस शुड नॉट बी कोटेड एनीवेयर, दिस शुड नॉट बी कोटेड, माय हंबल रिक्वेस्ट। सो फॉर वन इंश्योरेंस कंपनी इट वाज 118 करोड़ ऑफ लॉस ओनली विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। और ये वो है जो प्रीमियम में बोल रहा हूँ, क्लेम आएगा टीपी का और ऑलरेडी 98 क्लेम आ गए वैसे केसेस के, और एवरेज क्लेम साइज 8.5 लाख का है, तो 8.5 लाख × 98 उतना रिजर्व हमें क्रिएट करके रखना है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लॉस, काइंड ऑफ फ्रॉड इज एन इंश्योरेंस कंपनी फेसिंग विद आवर मोटर टीपी। कितना बड़ा फ्रॉड है, 100 × 8.5 लाख कितना होता है देख लो आप सर। इतना लॉस ऑलरेडी रेडी है जो मुझे कोर्ट को प्रूव करना है कि सामने वाले की गलती है। कोर्ट को लेकर तुमने आरसी कॉपी को नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी डजंट टेक आरसी कॉपी एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशू, तो कभी नहीं लेती है सर। कुछ नहीं, खाली गाड़ी ऑनलाइन पॉलिसी एग्रीगेट्स है उनको दिया हुआ है, जैसे एक पोर्टल पे आप पॉलिसी बनाते हो तो आप सिर्फ गाड़ी का नंबर डालो वहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेस नहीं दे रहे हैं उसका एग्रीगेट जो दिया हुआ। वो जैसे FLA करके कंपनी है, ZOOP करके कंपनी है, ऐसे अलग अलग ऐसे बहुत से कंपनीज हैं मतलब जिनके पास ये, बट दीज आर ऑल दीज आर नॉट लीगलाइज, ये लीगलाइज अभी तक नहीं है। हाँ जो भी हो मतलब कॉस्टली भी 3 रुपए पर हिट लेते हैं वो लोग। सो नाउ परिवहन से ही डायरेक्ट आ रहा है, सो देयर इज अ न्यू रिक्वेस्ट व्हिच वी हैव सेड दैट वी वांट दिस 10 फीट्स अलोंग विद, जब मैं खाली गाड़ी का नंबर डालूं तो अपने आप मुझे बताना चाहिए सीसी क्या है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, फलाना क्या है, सेगमेंट क्या है, वेट क्या है, मॉडल क्या है, ये सब मुझे गवर्नमेंट से चाहिए, ये मुझे कोई एग्रीगेटर से नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्रीगेटर को दे भी रहे हो तो भी फ्रॉड हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज लूजिंग और बाद में कस्टमर को तो नहीं मिलेगा क्लेम, और यही तरीका है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अब आप समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि इट वुड हैव गॉन मोर देन 1200 करोड़ के लॉस हुआ सरकार को इस कंपनी में, 1200 करोड़ कम नहीं है। और ये वो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ये यही साल का होता पिछले साल का, अभी ये साल तो चालू हुआ मैंने पिछले साल जो मार्च तक है 1200 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा फॉर सर्विस टैक्स और जो भी मैंने अपना GST वगैरह। हाँ वो सब और इंश्योरेंस कंपनी के लिए इसके ऊपर, अच्छा इसके अलावा कस्टमर्स को क्लेम नहीं मिलेगा अगर कभी ओडी क्लेम या कुछ आ गया वो उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा
मोटर टीम की कोर्ट्स में कोर्ट्स को बर्डन पड़ने वाला है क्योंकि ये सारे केसेस इंश्योरेंस कंपनी कंटेस्ट करेगी, पे तो करेगी नहीं, तो आप कंटेस्ट करेगी तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होने वाला है। अभी 1 अप्रैल को अमेंडमेंट भी आया है ना, वो मैं अलग से बताता हूँ, वो वही मेरा सेशन एक्चुअली उसी से रिलेटेड है, पर ये तो आपको एक बैकग्राउंड सेटिंग चल रहा है क्या है। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड। सो दीज आर द वेज हाउ ये इंश्योरेंस कवर इम्प्लांट हो जाता है, दिस इज हाउ दे इम्प्लांट हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर फेसिंग? अभी आप देखो कि कोर्ट्स व्यू, कोर्ट ऑलवेज हैव, यहाँ पे देखिए आपने लिखा पब्लिक बेनिफिट लिटिगेशन, दिस मोटर थर्ड पार्टी इज अ पब्लिक बेनिफिट लिटिगेशन, दिस इज नॉट फॉर इंश्योरेंस कंपनी का कोई बेनिफिट के लिए। तो कोर्ट का हमेशा लीनियंट व्यू रहता है कस्टमर की तरफ, और अगर उस केस में आई विटनेसेस नहीं है, अब रोड एक्सीडेंट हुआ आई विटनेस नहीं है, ऑब्वियसली उसके फेवर में जाएगा। सेकंड आपको देखो बर्डन टू प्रूफ ऑन इंश्योरेंस कंपनी, अभी पुलिस ने चार्जशीट में कुछ भी लिख दे कि किसने किसको मारा है, अब इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ करना है, और हमको 1.5 years, 2 years के बाद पता चलता है क्योंकि कोर्ट से केसेस आती है। तो आफ्टर 2 years व्हेन यू रिसीव अ केस, बर्डन लाइज ऑन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रूव कि दिस इज जेन्युइन और रॉन्ग, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो कुछ सालों में तो इंश्योरेंस कंपनी बंद होने लगेगी, और दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज लोअर। एवरेज पेनिट्रेशन, ओके सो यूएस हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन ग्लोबली व्हिच इज 9%, और इंडिया का पेनिट्रेशन इज लेस देन 1% आफ्टर इतना होने के बाद। तो अभी सोचो जब अगर इंश्योरेंस कंपनी का पेनिट्रेशन ऐसे 5-7% चला जाएगा तो आप लोग का तो बिजनेस और भी 5 गुना बढ़ने वाला है ऑब्वियसली। बट एट द सेम टाइम इफ दिस काइंड ऑफ लॉज आर देयर, तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा बिजनेस नहीं करेगी ना, वो ज्यादा रिस्क टेक तो बिजनेस ही नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी 110-114% कंबाइंड पे चल रही है। वेटेज टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बहुत वेटेज है, जबकि हमारे इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का 0 वेटेज, 0। टू बी प्रेसाइज, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एट टू प्लीज गो एंड टॉक टू IRDS पीपल, हमने आपको पहले भी बोला था कि आपने एसोसिएशन बनाया है तो एसोसिएशन का कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी लाइसेंस्ड, वाई दे कैन नॉट बी लाइसेंस्ड, जब उनको उनका कुछ देखा हुआ चीज का कोई तो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि कोई भी नौकरी नहीं मिलता है तो वो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये फैक्ट है, यही फैक्ट है, पहले जमाने में नौकरी नहीं मिलता था तो बाप बोलते थे बेटा फौज में लगता था, वो लड़ाई करने जाता था। अभी फौज में इतना स्ट्रिंजेंट हो गया कि सीट्स फुल नहीं होते, NDA एग्जाम की बात नहीं, 4-4 लोग, 5-5 लोग, 8-8 लाख लोग एग्जाम देने के बाद भी उसमें 400 सीट नहीं फुल होता है। तो सर, उसका इस पॉइंट पे मैं कहूंगा कि अभी AID ने जो कहा कि AID की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है, तो AID जो है पहले बिल आया था 2007 में, जो कि उस समय स्ट्रेंथ इतना नहीं था और पुअर यूनिटी था अमंग इन्वेस्टिगेटर, जिससे वो डिफीट हो गया। अब हम लोग AID में ये कर रहे हैं कि सबको पहले हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, आज AID ने पहली बार जो है सर्वेयर और इन्वेस्टिगेटर को साथ में लेके आए। दूसरी बात है, AID से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटर इंश्योरेंस कंपनी को मिले उसके लिए एक रेगुलेशन बनाया जाए, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया जाए। प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जो न्यू इंट्रेंट्स है उसके लिए एक हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना रहे हैं और कुछ सर्टन ट्रेनिंग बना रहे हैं कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। और मेरी हर इंश्योरेंस कंपनी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि AID या हमारी जैसी संस्था से जो सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर है उसी को पैनल पे लिया जाए, नहीं तो आपने बताया कि कहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है तो चलो इन्वेस्टिगेटर बन गए, तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर या नीम हकीम आके आपके साथ क्या करेंगे वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको एक तो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर लेना है, सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर लेना है, जिसकी वजह से आपके काम को पूरा जस्टिफिकेशन मिल सके। और ये जो आपने 4.3 का रेशियो है वो हम चाहते हैं कि वो कम से कम 7% का रेशियो को पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मुझे देखेंगे कि मैं कई फोरम्स में जाता हूँ, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन के नाम को मीडिया में लाता हूँ, मैं IIT के साथ मीटिंग करते हैं, IRDS से भी करते हैं,
इंश्योरेंस कंपनीज के जो इंस्टीट्यूट है IIIA और नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, वहाँ पर फ्रॉड के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है. तो ये ग्रेजुअली दिस हैज स्टार्टेड. ऑब्वियसली मैं तो बहुत यंग हूँ इस मामले में, क्योंकि इंश्योरेंस इन इंडिया इज 100 ईयर्स ओल्ड. दिक्कत ये है कि सब चालू अभी हुआ है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है. तो आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा. और आप लोग जैसे आज टूडे यू आर वन एसोसिएशन, ऐसे और भी कोई एसोसिएशन हैं अलग अलग जगहों पर, कोई डिटेक्टिव का ही ऑल इंडिया एसोसिएशन चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है. तो ऑब्वियसली यू गाइस वी विल बी डूइंग आवर वर्क, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग टू IRDA इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर कुछ रेगुलेशन कर देता हूँ. और लाइक एटलीस्ट यू शुड हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या न्यू कमर है देन ही हैज टू पास थ्रू दिस एजुकेशन इन ऑल. बट हमसे ज़्यादा आप फोकस हो इसी पे. इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस तो पॉलिसी बेचने का है और उसको सर्विस देने का है. इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर से 1% केस पे काम करना है मेरे रोल के साथ. आपके रोल में आप 100% वही है. तो यू गाइस आप लोग का फोकस ज़्यादा है. आप लोग को भी हर तरह से जब जाएंगे एक जगह, एंड न्यू IRDA का जो चेयरमैन है इज अग्रेसिव, ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. आप लोग को पता चला होगा कि 10 करोड़ से माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी खोला जा सकता है, सिर्फ 10 करोड़ से स्टेट लेवल पे खुल सकता है. तो ही इज सो अग्रेसिव इन इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन. इफ द इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू इंक्रीज देयर पेनिट्रेशन, दे हैव टू इंक्रीज देयर सर्विसेज. एंड इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन इज अ काइंड ऑफ सर्विस, बिकॉज इफ अ इंश्योरेंस कंपनी नोज दैट ये क्लेम जेन्युइन है तो वो 10 मिनट में पे करेगा. उसको पता ही नहीं चलता कि ये जेन्युइन है कि नहीं, इसीलिए वो 10 महीने ले लेता है. तो ये जो लिंगरिंग हो रहा है ये रोकना है. ये रोकने के लिए अच्छे सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर होना जरूरी है. और वो इन्वेस्टिगेटर को जब तक मान्यता नहीं मिलेगा, उसको उसका वैल्यू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वैल्यू अगर पुलिस कंसिडर नहीं करेगी या जज कोर्ट में कंसिडर नहीं करेगी, तो फिर वो कम हो जाता है वैल्यू. मतलब वो इसीलिए तो एनीवे, सो दिस इज वन इश्यू, डिपोजिशन बिफोर कोर्ट. अब क्या होता है कि एक बार फ्रॉड हो गया उसके बाद अभी देखो इसमें क्या एडवांस दे. तो पहले तो कोर्ट में किसी को जाने के पहले पहले ही बता दो कि ये है मेरा चश्मदीद गवाह जिसने रोड एक्सीडेंट देखा था, जिसने बोला कि गाड़ी मारुति गाड़ी तो थी नहीं, ये टू व्हीलर में एक्सीडेंट हुआ है. अब इसको अगर कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो पहले आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि इनको प्रेजेंट करूंगा. अब जब आप इनका नाम ले लिए, बता दिए कि इनको प्रेजेंट करना है, तो केस तो खत्म ही होने वाला है. तो ये आदमी तो हॉस्टाइल होने वाला है. तो ये चैलेंज है. ऐसे एडवोकेसी लॉबी है. वो जो लॉबी जो आपने नेक्सस बताया कि रोड एक्सीडेंट होता है वकील करवाता है, पुलिस सेटिंग है, इसको एम्बुलेंस चेजर्स बोलते हैं. इसको हमारे लैंग्वेज में एम्बुलेंस चेजर्स बोलते हैं कि जहां भी रोड एक्सीडेंट होता है. तो हमारे इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन का एक लड़का है, लॉयर था, वो अब इन्वेस्टिगेशन छोड़ के उसने अब लॉयर का काम चालू कर दिया. और उसको ये पता चल गया कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, वॉज नॉट गुड इन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन. अब वो यही कर रहा है दिल्ली में, वो यही कर रहा है अभी वो दिल्ली में. वो बंदा उसका काम ये है कि सारे मेरे से मिलता है. तो मैं कई इस तरह के जो नेक्सस फ्रॉडस्टर लोग हैं उनके साथ मेरा रिलेशन बना के रखा हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल के रहता है वो करते क्या है, कैसे करते हैं. तो दिस गाय बेसिकली टेल्स मी कि रोड एक्सीडेंट सर जितना भी होता है इस पट्टे में, गाजियाबाद पट्टे में जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं सारे पुलिस स्टेशन से मेरे केस आते हैं. और मैं हर पुलिस का एक इंटीमेशन में 5,000 रुपये देता हूँ. और जब वो चार्जशीट फाइल होने के पहले मैं बैठता हूँ, जैसा चाहिए उस समय 20-25,000 रुपये देता हूँ. एंड दैट इज योर ब्रेड विच यू आर सेइंग दिस कोरिलेट, एंड दिस इज हाउ द फ्रॉड हैपेंस. अभी इसको रोकना है कि नहीं रोकना है? ये नहीं रुकेगा तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ फ्रॉड्स आर हैपनिंग. सो व्हाट नेक्स्ट? सो वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव. ठीक है, सेशन चल रहा है. ठीक दो बज गए सर, भूख लगा आपको? सर मैं तो क्या है कि मैं तो सुबह से रात तक ऐसे रहता हूँ. आप लोगों ने फिट पे ले गए इतना कि खाना ही नहीं मिलता उस जंगल उंगल में, तो हमको आदत है. बाकी एज यू गाइस से सो उसके बाद I don't know 2:30 तक मेरा सेशन खत्म होगा कि नहीं.
But then you guys have to assure me to come back within half an hour. Yes, sir. If 15-20 minutes में खाना और 2-4-10 मिनट में सिगरेट और उसके बाद तो आ ही सकते हो. ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई है भी तो ठीक है. So they have to be reactive to proactive. So now what? So there has been a writ petition which has been filed by Bajaj against Union of India, and this is the outcome of that writ petition. Police shall send intimation within 48 hours from the time of accident to insurance company. ये writ petition में ये गया है, and this is the judgment. Judgment का output बता रहा हूँ, और ये case company के favour में आ गया है. And this is what now. अभी तक सारी इंश्योरेंस कंपनी इसको फॉलो भी नहीं कर रही है. बजाज ने बहुत एग्रेसिवली इसमें काम चालू कर दिया, बट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एमएसएटी कहानी. तो आफ्टर एक्सीडेंट विद इन 48 आवर्स इंटीमेशन फ्रॉम पुलिस विल कम टू द रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली. पुलिस शैल कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन. कितना लॉस हुआ पुलिस को ही करना है. उसके बाद पुलिस को 90 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, और उसके बाद दे हैव टू शेयर इट विद द इंश्योरेंस कंपनी. सो नाउ दिस इज द जजमेंट कि 90 डेज में आपको करके देना ही है इंश्योरेंस कंपनी को. इंश्योरेंस कंपनी हैज टू अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर. हमारे ऑल इंडिया में जितने सारी इंश्योरेंस कंपनी ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है. तो क्या होता है कि व्हेन अ केस इज आल्सो फाइल्ड इन कोर्ट, इमीडिएटली नोडल ऑफिसर को आ जाता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोर्ट में नंबर चढ़ेगा, गवर्नमेंट जहां से आपको खुद से भी जाके आपको पता चल जाएगा कि एफआईआर है या नहीं है, क्या है, कितने रोड एक्सीडेंट केसेस हुए, सब पता चलता है. एंड दिस इज दैट जजमेंट कॉपी. जजमेंट कॉपी है यहाँ पे. This is a judgment copy में उसमें steps लिखा हुआ है. So rather than going through this entire steps, I think we can just skip this in interest of time. मैं actually इसको रखा था आप लोगों को. Sir, फिर अगर ऐसा election आ गया तो फिर Sir, ये judgment तो होती है, लेकिन उसको है ना police authorities को propagate नहीं किया जाता. Exactly, वो भी आ. ये same judgment 2013 में भी हुआ था. Yes. General Insurance Council versus Union of India. Yes. लेकिन वो प्रोपोगेट नहीं हो पाता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट को वही जजमेंट देके, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है. तो मैं आता हूँ सर उसके ऊपर क्या कर रही है इंश्योरेंस, वो भी बता दूंगा. सो दिस इज दैट जजमेंट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अंडर सेक्शन ये वो इंश्योरेंस कंपनी को 48 आवर्स में बताना है, देन उसको रिपोर्ट जाएगा ट्रिब्यूनल को, फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर. सो दिस इज एंटायर प्रोसेस फ्लो. पूरे प्रोसेस फ्लो को हमने एक शीट में यहाँ कैप्चर किया है. पुलिस मिलेगा 10 दिन के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट पुलिस उठाएगा. अभी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर नहीं उठा रहा है, पुलिस उठा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट उठा रहा है. वहां से वो ड्राइवर का फॉर्म पुलिस कलेक्ट करेगा, वो फिर यहाँ पे ओनर का फॉर्म ये सब कलेक्ट करेगा. 30 डेज में इसका रिपोर्ट इधर आ रहा है, इंटरिम रिपोर्ट अपडेट करना पड़ता है 50 डेज में, चार्जशीट के पहले 90 डेज में चार्जशीट फाइल होना. फिर ये विक्टिम के ये सब मतलब प्रोसेस है. एंड देन इफ द इंश्योरेंस कंपनी डजंट एक्सेप्ट द लायबिलिटी, अब यहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द लायबिलिटी केस को ऑफर दिया जाएगा उसको और केस को क्लोज किया जाएगा. इफ दे डजंट एक्सेप्ट देन ट्रिब्यूनल में जाता है 12 महीने में, विद इन 12 मंथ द केस हैज टू बी क्लोज्ड. एंड दिस हैज बीन केप्ट कीपिंग पब्लिक के रूप से रखा गया. अब नाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिनेरियो क्या है कि मेनी टाइम्स इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर विल फील दैट व्हाट इज आवर रोल नाउ, है ना, आपका सवाल ये था ना. सो व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर्स रोल, अभी तो खत्म हो गया. अभी पहली बात तो बस यू गाइस आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये क्यों किया गया है. पहला तो पुलिस से त्रस्त है, इन्वेस्टिगेटर से भी त्रस्त है, क्योंकि वो लोग भी टाइम पे रिपोर्ट नहीं लाना, रोज एक कुछ ना कुछ कहानी करना, उस रास्ते का गाड़ी केस मिलेगा 10 तब मैं उधर जाऊंगा, अभी तब तक मैं जमा करके बैठे रहता हूँ. यह 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है,
There are a lot of things. Whenever some change happens, it happens because of some or the other problem which the society is facing. So this is one of the reasons. But don't worry. Don't worry. यहाँ पे insurance investigator खाली आपको नहीं मेरी भी नौकरी का सवाल है ना तो मेरे को अपना नौकरी भी बचाना है. So there is in this part of some judgment there is a area where once the insurance company doesn't likes the proposal, I mean we will not go to that line, but 25th number para है. I have given this to you. उसमें आप जाओगे तो open करके आप देख सकते हो. Insurance invest. So once when we get this case कि road accident हुआ है, what we do? Let's come to that part. और फिर मैं आता हूँ investigate करो. So once the case has been received, this ILM is in our investigation team का नाम है. So we first verify whether this policy is Bajaj policy or not. That we verify. Then we have to respond back to the police कि ये policy तो Bajaj का है ही नहीं जो आपने road accident दिया है. बहुत बार क्या होता है गाड़ी का नंबर नहीं रहता है तो वहां पे हम लोग प्रोएक्टिवली बोलते हैं कि यहाँ पे Bajaj की कोई गाड़ी नहीं है एंड दिस व्हीकल ये एक्स वाई जेड यहाँ पे हिट एंड रन केस है. तो इन दोज हिट एंड रन केस फ्रॉम डे वन आवर आईज इज देयर ऑन दैट केस कि पुलिस को इम्प्लांट तो नहीं कर रहा है. एंड इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन टीम का रोल है वी हैव टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पुलिस एट हाईएस्ट लेवल सो दैट पुलिस डजंट इम्प्लांट एनीवन. जब आपको रोज आप जाने लगोगे पुलिस स्टेशन में सर ये केस था हिट एंड रन का गाड़ी मिला क्या आपको मुझे कौन सी कंपनी वाले इंश्योरेंस Bajaj से हूँ उसको पहले मालूम है कि इसको तो हटा दो यार जो कंपनी नहीं आ रहा उसको ला लो गाड़ी और ये जितना रोड एक्सीडेंट होता है वही होता है एंड देन दिस गोज अंडर द पुलिस. ओके सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो दिस विल अननेसेसरी टेक टाइम है ना. सो दिल्ली में डार्क इज ऑलरेडी देयर but dark if you see the settlements are much faster compared to other states and this is how. okay so this is one iRED app. ये एक app बना है या बना रहे हैं अभी मतलब उसको final launch होना बाकी है. GIC is making this app where any road accident happens police has to immediately upload the details on that app. there is a proper fill in process बहुत details है रोड एक्सीडेंट कब हुआ कितने बजे हुआ गाड़ी कौन चला रहा था आई विटनेस कौन था गाड़ी का कलर क्या है 500 चीज है मतलब इन्वेस्टिगेशन करने में एक्चुअली इजी हो जाता है. तो टुडे मेनी टाइम इट हैज बीन टोल्ड कि मोटर थर्ड पार्टी के इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेटर्स आर एक्चुअली डॉक्यूमेंट कलेक्टर दे आर नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स. बट इफ यू गो इन फायर इफ यू गो इन ओन डैमेज केस सॉरी हाँ ओडी केस इफ यू गो इन पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ केस यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्शन नहीं होता यहाँ प्योर इन्वेस्टिगेशन होता है. बट मोटर टिकट में ज्यादातर हम डॉक्यूमेंट ही कलेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके जो उसमें लिखा है उसको समरी बना के रिपोर्ट सबमिट हो जाता है. बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं आता देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन सम पीपल आर गोइंग देयर दे गोइंग इन डेप्थ आल्सो बट दिस इज अ जनरल व्यू व्हिच इज देयर. सो नाउ विद दिस ऐप यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. सो नाउ हाउ शुड वी प्रोपगेट इट एज इसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा. इफ द पुलिस स्टेशन दे आर नॉट अवेयर पहले भी देयर हैज बीन एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 158(6) और पहले भी है कि एज पर दैट पुलिस हैज टू इंप्लीमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी विद इन 30 डेज स्टिल दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग. सो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड देयर आर 15,000 सो व्हाट Bajaj इज डूइंग एट इट सो देयर आर 15,000 प्लस पुलिस स्टेशन इन इंडिया. वी हैव कैटेगराइज्ड that our 70% accidents are coming from this 2000 police station. Okay? So this is how we do. And why I am explaining this to you? Because tomorrow you have to or you should go and get this business from insurance company. This is a source of business for you guys. ध्यान से सुनिएगा आप लोग हाँ क्योंकि ये एरिया छूटना नहीं चाहिए. सो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि विच आर दोस पुलिस स्टेशन टॉप पुलिस स्टेशन जहां से आपको 70-80% क्लेम्स आते हैं. यू हैव टू सेट अप योर FOS टीम टू दोस पुलिस स्टेशन जहां पे यू हैव टू गो. जैसे आज मैंने इंडिया में 2000 में मैंने डिसाइड किया महाराष्ट्र का आप देखते हैं प्रोएक्टिवली पहले जाकर बताना है कि सर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको 48 आवर्स में इंश्योरेंस कंपनी को बताना है पहली बात. तो
बहुत पुलिस स्टेशन आज भी नहीं मालूम है, तो समन है आज भी कि दो फाइव और सिक्स पुलिस स्टेट से डेटा आ रहा है. सो दो सिक्स या सेवन जो स्टेट्स है देयर वी हैव पर्सनली गॉन टू द डीजीपी, वी हैव पर्सनली गॉन टू दो हजार पुलिस स्टेशन में, वी हैव रिटन लेटर्स टू देम एंड वी हैव मेट विद द एसपी डीजीपी सबके आदमी लोग जो सीनियर रिसोर्सेज है. एंड नाउ दीज स्टेट्स हैव स्टार्टेड गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट आइदर थ्रू सम मेल और डायरेक्टली ऑन देयर पोर्टल. वो पोर्टल में डाल देते हैं आप ले लो वहां से. तो क्रिमिनल क्राइम नेटवर्क सिस्टम है सीसीटीएनएस, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर आई डोंट नो, मालूम है सीसीटीएनएस. तो सीसीटीएनएस के पोर्टल पे सारे रोड एक्सीडेंट केसेस आते हैं, तमिलनाडु का, उड़ीसा आ गया, अभी राजस्थान भी चालू हो रहा है, तो सब वहां से पता चलता है. आफ्टर दोस जितने एक्सीडेंट है वी पुल दोस केसेस, वी चेक उसमें से बजाज की इंश्योर की हुई कितनी गाड़ियां हैं. अभी हमको पता चलता है कि कुछ गाड़ियां बजाज का ही इंश्योरेंस था बट पॉलिसी हैज एक्सपायर्ड 2 months बैक एंड नाउ दिस व्हीकल इज नॉट इंश्योर्ड एनीवेयर. सो व्हाट हैपेंस दिस पर्सन नॉर्मली इस केसेस में पुलिस क्या करती थी पहले, पुलिस यूज्ड टू पुट बजाज एज अ क्लाइंट मतलब इंश्योरर. अब बजाज को उसका रिजर्व क्रिएट करो, रिजर्व क्रिएट करना मतलब उतना पेमेंट पे करने का, रिजर्व क्रिएट करो, लॉयर लगाओ, इन्वेस्टिगेटर लगाओ, सब खर्चा कर रहे हैं हम लोग बिकॉज ऑफ lack of knowledge that this policy has already expired. So today what I do, when I check that this policy has already expired 2 months back, I go to police station and I represent this case to police. Sir, इसमें ये बजाज का policy था 2 महीने पहले था, अभी इसके पास policy नहीं है, तो it is he has violated the terms. तो आप ये charge sheet में लिखो, आप charge sheet में लिखो कि there was no insurance policy of this vehicle. Once if it is written, मेरी लायबिलिटी खत्म होगी ना. अब ये जो पुलिस से लाइसेंसिंग करने का जो काम है, इंश्योरेंस कंपनी में बहुत लड़के इतने तेज नहीं है एंड दिस इज अ स्कोप वेयर व्हेन वी इन्वेस्टिगेट केसेस वी गेट लॉट ऑफ. मैं आपको एक तो एग्जांपल दिखाने वाला हूं अभी जिसमें वी हैव गॉट सम बहुत बढ़िया केस क्रैक हुआ है जिसमें वी हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज अ डिफेंस केस, दिस इज नॉट, दिस शुड नॉट बी अ लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. उसमें जाकर पुलिस के साथ लाइजनिंग करके पुलिस को कन्विंस करना कि भैया ये सेक्शन लिखो. सपोज समवन वाज ड्रंकन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, नन ऑफ द केस यू विल सी वो ड्रंकन का सेक्शन नहीं लिखता. अगर आपके पास एविडेंस आ गया कि वो ड्रंकन था और उसको चार लोग उठा के ले गए, वो वॉमिटिंग कर रहा था, उसका ब्लड टेस्ट एनालाइजर हुआ, सब कुछ हुआ, यू गो टू पुलिस एंड यू से सर देखो ये ड्रंकन ड्राइव केस, आप लिखो ना जो है उसको लिखो डिफेंस. And once when police start incorporating that, it is a liability saving for insurance company. And police के साथ licensing का skill आज भी बहुत बड़ा कमी है. I will tell you, it is such an important activity. You don't know this how to license with police. मैंने कई बार देखा, in fact I have personally filed many FIR, I have personally defended many cases in my company where I have not paid a single money इन पुलिस पॉकेट. और 2 साल तक 5-5, 6-6 करोड़ का लॉस वाला केस जिसमें हमारी कंपनी के बड़े बड़े लोग भी प्रॉब्लम आ सकता है, उनको अरेस्ट नहीं होने दिया विदाउट गिविंग मनी. हाउ इट इज हैपन, ओनली इफ यू हैव द गुड स्किल ऑफ लाइजनिंग विद पुलिस. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं और आशीष जैसे हमें पुलिस स्टेशन में गए तो एक कॉमन इन्वेस्टिगेटर जाता है तो उनके 100 सवाल होते हैं. हाँ. हम आपको पेपर क्यों दें, थर्ड पार्टी हो आप, ये हो आपको हो. तो जब हमने बताया वी आर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और अगर आप पेपर नहीं दोगे तो यू विल बी इन ट्रबल, जब हमने उस ऑफिसर को बताया कि हमारा एसोसिएशन हमारे पीछे है और वो आपके जब डीजीपी से बात करेगा तो यू विल बी इन ट्रबल. तो उसने जाके सीनियर को बोला सर ये तो कोई लफड़ा लग रहा है जो तो ये जो होता है इंटरेक्शन और हमारे पीछे सब इन्वेस्टिगेटर को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कैसा है डिफिकल्टीज कुछ आ रहा है तो आप एसोसिएशन का नाम यूज करो कि हम लोग ये मैटर जो है नहीं तो आपके हायर अप से बात करना पड़ेगा नहीं तो आप दे दो. तो कोई भी ऑफिसर जो है अपनी इन नौकरी को या अपने ऊपर कोई रिमार्क लेना नहीं चाहेगा और वो आपको पेपर दे देगा. यस तो वो इमीडिएटली दिखाता है. हम लोग डैश लगा के गए AID का तो उसमें इमीडिएट हमको वो इफेक्ट दिखाई दिया. उसने खुद पूछा ये क्या है आपका ये क्या बैच कर रहा है तो हमने बोला हम एसोसिएशन से आए
तो उसका परसेप्शन एकदम चेंज हो गया. एग्जैक्टली आई एग्री टू दिस. और इसके कारण बाद में भले आपको केस काम हो जाने के बाद आप उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, दैट इज डिफरेंट, बट नॉट एज अ रूल. यस, डोंट मेक इट अ रूल. तो मैं जिसको भी देखता हूँ, सर यहाँ 25,000 खर्चा होगा, सर 50,000, लेकिन क्या फालतू का विषय, तो मैं ही आगे कर लेता हूँ, है ना. एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो क्या डॉक्यूमेंट लाएगा, उससे केस जीतेंगे कि हारेंगे, तो सिर्फ हवा वाला है. तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लाइजिंग. सो With this feedback, which is the defense wale cases, we will give feedback. Wherever there is a genuine case, we will go and pay to the claimant. अभी claimant को pay करने में कितना risk, liability को कितना reduction होता है. So today what happens is motor third party, we investigate a case for 3 months, 4 months, and then we contest a case for another 3-4 years. ये जितना साल जाता है उतना इंटरेस्ट बिल्डअप होता है केसेस. सो वी हैव एनालाइज सम 630 करोड़ का रिजर्व वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट. द केस गॉट सेटल्ड विद इन 3 इयर्स. दैट लायबिलिटी फ्रॉम 630 बिकेम 971 करोड़. अब समझो इंश्योरेंस कंपनी को जितना लेट इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है, जितना ज्यादा वो अननेसेसरी कंटेस्ट करते हैं, 200-250 करोड़ लॉस बढ़ गया खाली इंटरेस्ट देने में. अभी यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वी आर गेटिंग अ केस, सामने वाला इज इन नीड ऑफ मनी बिकॉज उसके घर में डेथ हुआ है या इंजरी हुआ है, ही वांट्स सम मनी टू बी, उसको वो पैसा चाहिए जिससे उसका ट्रीटमेंट हो जाए. आज के इंडिया में पीपल हैव टू सेल देयर हाउस फॉर ट्रीटमेंट. तो आज भी वो प्रॉब्लम है. आज आप लोग के गाँव में भाई बहन कुछ होंगे, ट्रीटमेंट करना है, बहुत सबसे मांगने लगते हैं पैसे, बेचारे क्या करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर एक्चुअली इन नीड ऑफ मनी. सो इफ वी कैन प्रोवाइड दैट नीड ऑफ मनी टू देम. सॉरी यार ये एक्सीड हो रहा है टाइम, मेरे को लगता है ज्यादा स्लाइड है नहीं. थोड़ा सा स्लाइड्स हैं हम लोग, ठीक है ये. सो ये स्लाइड खत्म करता हूँ. अच्छा ठीक है. सो दिस विल हेल्प अस टू रिड्यूस व्हीकल इम्प्लांट बाय ऑलमोस्ट 40-50%. वी हैव ऑलरेडी वर्क्ड ऑन अराउंड 130 केसेस इन लास्ट 6 मंथ्स. और उससे हमारे को जो बेनिफिट मिला वो मैं बता रहा हूँ. हमारा व्हीकल इम्प्लांट लायबिलिटी हैज गॉन डाउन बाय 40-50%. फेक पॉलिसी जो हमको शुरू में मिल जाता है उसमें 60-70% केसेस में मुर्गा फेक पॉलिसी को रजिस्टर ही नहीं करता, वो डिफेंस लिखवा लेते हैं उससे कि दिस इज द डिफेंस. प्री लिटिगेशन सेटलमेंट. सो प्री लिटिगेशन सेटलमेंट मतलब जो केस 3 साल लेते हैं हम सेटल करने में, आवर कॉस्ट ऑफ दैट क्लेम राइजेस बाई 25-30%. अगर मैं आज ही सेटल कर देता हूँ तो मेरा उतना लॉस एक्स्ट्रा बच जाता है. एंड दिस इज हाउ मोटर डीपी पोर्टफोलियो from a loss making portfolio will in coming time move to a profitable portfolio. These are the steps which will actually help us to move. And this is one, जैसे e-court का direction है यहाँ पे हिमाचल और कर्नाटक का सारे accident cases यहाँ पे आते हैं. तो आप वहाँ से download करके आपको पता चल जाएगा कितने accidents हुए हैं. This is one of the CCTNS का tracking. If you see this, कि out of 28,000 व्हीकल जिस पे हमने चेक किया था फ्रॉम सीसीटीएनएस, ऑलमोस्ट 73% ऑफ द व्हीकल्स वर आइडेंटिफाइड एंड 27% ऑफ द व्हीकल वर नॉट आइडेंटिफाइड. मैंने ये हिट एंड रन वाले केसेस थे. उसमें इंश्योरेंस कंपनी का जब चेक किया तो उसमें से सिर्फ 34% व्हीकल्स वर इंश्योर्ड. ये हमने आईआईबी के रिकॉर्ड से देखा. तो आईआईबी रिकॉर्ड कंसीडर हैव ऑल इंश्योर्ड व्हीकल का रिकॉर्ड. तो वहां से पता चला कि ओनली 34% आर इंश्योर्ड, 68 इज नॉट इंश्योर्ड. सो व्हाट इज द रिस्क? रिस्क इज दिस अनआइडेंटिफाइड या गाड़ी इंप्लांट हुआ इंश्योरेंस कंपनी का. सेकंड रिस्क इज दिस जो इंश्योरेंस नहीं हुआ है, माने गाड़ी तो आइडेंटिफाइड हो गया. ये सारे केसेस में इंश्योर्ड गाड़ी लगता है. वो जो 4,50,000 एक्सीडेंट के केसेस दिखाते हैं वो सारे इंश्योरेंस ही वाले ही है. ऐसा कैसे होता है? वो हार्डली मैंने उसमें 12-13% जो दिखा रहा था जो हिट एंड रन है, बाकी सारे इंश्योर्ड है. तो जब उससे ज्यादा है नंबर. सो दिस इज आवर डेटा अगर वी हैव चेक. दिस इज एन अनदर वे हाउ वी आर गोइंग टू नाउ प्रिवेंट मोटर थर्ड पार्टी. सो एट द टाइम ऑफ ओडी क्लेम,
वी नो दैट इसमें टीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ओडी के टाइम पे अर्लियर ऑल्सो वी हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस, बट अभी थोड़ा और इन डेप्थ में काम जब व्हेन वी आर डूइंग इट, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑलमोस्ट 33% ऑफ द मोटर टीपी केसेस आर दोस केसेस वेयर वी हैव रिसीव्ड ओडी क्लेम ऑल्सो, बट वी हैव नॉट डन एनीथिंग एट दैट टाइम टू रिड्यूस आवर लाइबिलिटी. हमने ओडी सेटल कर दिया और भूल गए, अब 3 साल बाद जब टीपी क्लेम आता है तब अपन जाते हैं ओडी देखने के लिए. दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच. जहां हमको मिल रहा है तो देयर वी शुड इन्वेस्टिगेट. सो फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस में वी बेसिकली इन्वेस्टिगेट द केसेस व्हेन वी रिसीव एट द ओडी स्टेज व्हिच इज 33% कोरिलेशन. वी आल्सो गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम मीडिया. सो मीडिया क्या करती है, एनी रोड एक्सीडेंट केसेस दे हाईलाइट कि यहां रोड एक्सीडेंट हुआ. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मीडिया ओवर हियर इज दे विल नॉट मेंशन द व्हीकल नंबर एंड माइंड यू दिस इज पर्पसफुली डन. ठीक है, and we are now going to meet with the broadcasting minister to tell them that when you are capturing ki road accident hua hai aapko gaadi ka photo liya lekin number wala photo nahi dikhta hai. rarely abhi ek case hamare paas hai jisme motor ka number mila and that has helped us to crack the case, but normally you will see out of 1 lakh road accident cases mein aapko hardly 10-12 mein milega gaadi ka number, baaki gaadi ka number nahi milega. and this is where अब नाउ एज अ एसोसिएशन यू कैन ऑल्सो अप्रोच ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, बिकॉज आप ये कंपल्सरी करो अगर आप एक्सीडेंट के केस डालोगे तो गाड़ी नंबर डालना जरूरी है. अब बिना गाड़ी नंबर कैसे एक्सीडेंट डाल रहे हो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मीडिया भी मिल जाता है उसमें. सॉरी सी देयर, बट अभी वो सोचे कि क्या बोल रहे हो, बट ये प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया से मिनिस्टर भी डालता है. तो वो दूसरी बात है, लेकिन जब हम पब्लिक की बेनिफिट की बात करते हैं, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, सर भगवान ना करे हमारे फैमिली का किसी के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम वो न्यूज पढ़ते हैं हमको पता भी नहीं चलता कि मेरी फैमिली गई है इस रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि हमारे को गाड़ी नंबर नहीं मालूम. अगर हमको पता होगा कि हमारे घर वालों का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो एटलीस्ट हम तो पहुंच पाएंगे. उसका पर्पस क्या है रोड एक्सीडेंट का मीडिया में डालने का, ताकि एवरीवन नोज कि अगर आपसे रिलेटेड कोई गाड़ी है तो आप पकड़ लो. अब बोलेगा कि बॉम्बे गोवा हाईवे में एक्सीडेंट हुआ है तो 50 गाड़ी जाते हैं, 1000 गाड़ी जाते हैं, किसको पता है कौन सी गाड़ी है. तो एटलीस्ट नंबर शुड बी देयर, दैट ये पॉइंट है. ओके, सो हियर वी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, व्हेन वी आइडेंटिफाई सम डिफेंस वी अप्रोच द पुलिस, वी कन्विंस द पुलिस की इनकॉर्पोरेट दिस एविडेंस इन योर चार्जशीट, बिकॉज चार्जशीट फाइल नहीं हुआ रहता ओडी केस के टाइम पे. तो चार्जशीट फाइल होने के लिए वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग विद द पुलिस टू गेट दैट इनकॉर्पोरेटेड, एंड वंस दैट डिफेंस इज इनकॉर्पोरेटेड मेरे को मालूम है टीपी केस में जीतने वाला. तो एंड इफ इट इज अ जेन्युइन केस वी गो अहेड एंड वी डू द सेटलमेंट, इसीलिए अर्ली सेटलमेंट होता है. सो दिस आर द स्टेप्स व्हिच हैपेंस. दिस इज अ केस जिसमें फ्यूचर फ्रॉड रिस्क मिटिगेशन हुआ है. सो दिस इज अ व्हीकल, ये जो गाड़ी है ये लिंडा कंपनी की गाड़ी है, बजाज एलियंस से इंश्योर्ड है और रोड एक्सीडेंट हुआ है. इस गाड़ी को एक्यूज गाड़ी बनाया गया और ये मारुति वैन है, ओमनी वैन जो सामने से आके हिट किया है और यहाँ एक टू व्हीलर भी है इसमें एक्सीडेंट में. तो जब एफआईआर हुआ है उसमें सिर्फ ये गाड़ी और इसका नाम है, ये इसका तो नंबर ही नहीं है. अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इफ दिस प्लेज ओवर इट देन यू विल अंडरस्टैंड ये हुआ क्या था. देखिए गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रही है ना, ध्यान से देखिएगा ये ट्रक में कैमरा लगा हुआ है, ये जो ट्रक है इसमें कैमरा लगा हुआ है एंड इट इज कैप्चरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रंट साइड ऑफ द रोड. ये देखिए जा रही है, ये देखिए सामने से एक ओमनी कार आ रही है, दिख रहा है आपको, एंड दिस व्हीकल हैज क्रॉस्ड द लाइन, मतलब ये उधर से जाना चाहिए, रॉन्ग लेन में आ गया. कैन यू सी दिस, अरे ये यहां से हाईलाइटर, हां तो ये रॉन्ग साइड में एंटर किया है. ये देखिए अभी आप और नजदीक देखेंगे तो एक गाड़ी बाइक भी है इसमें, पहले ये बाइक वाले को मारा है इसने, अभी बाइक वाले को मारा है, ये पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है ये बाइक, उसके बाद आके ये ट्रक को मारेगा. अभी देखिए इसके बाद आके ये ट्रक को मार दिया, नाउ ये रोड एक्सीडेंट हो गया. अब इन दिस रोड एक्सीडेंट पुलिस हैज फाइंड इट इज अ मिस्टेक ऑफ दिस ट्रक, इसने जाके मारा है वो गाड़ी को, क्योंकि बिगर व्हीकल ऑलवेज इज अक्यूज्ड व्हीकल, यही चलता है ना इनका नाम. अब
वो तो ड्राइंग बनेगा ना, ड्राइंग जब पुलिस बनाती है तो वो उसको अलग सेट दिखा देगा, तो ड्राइंग कैसे भी बना दो पुलिस को बनाना है। अभी हमने इसको चूंकि रिकॉर्ड कर लिया डे वन को, ये तो मैं FFRM दिखा रहा हूँ, फ्यूचर फ्रॉड रिस्क मिटिगेशन बता रहा हूँ, बट आने वाले समय में अगर रोड एक्सीडेंट का डे वन आपको पता चल जाएगा 48 आवर्स में कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत उस केस में स्टेशन पे जा सकते, आप स्पॉट पे जा सकते हैं, तुरंत आपको आजू बाजू के लोग बताएंगे कि रोड इस पर हुआ है, रोड के इस पर हुआ है, ये पता चलेगा। तो आप उस समय पुलिस जब डायग्राम बनाने के पहले आप बता सकते हैं कि ये ट्रक में मैंने लोगों का ये स्टेटमेंट है सर, इसको आप प्लीज कंसीडर करिएगा। व्हेनेवर योर व्हीकल इज अ बिगर व्हीकल एंड सामने वाला व्हीकल इज अ स्मॉलर व्हीकल, ये आपके लिए ट्रिगर होना चाहिए कि आपको जाके इसको तुरंत पुलिस को कन्विंस करना है। सी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का काम है, तो अब जो काम है ना वो एक्चुअल काम आ रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट कलेक्शन से बड़ा काम है। ओके सो ये बेसिकली केस हुआ, एंड देन ये क्या है, ये ट्रक है, ये बेसिकली है, हम लोग ये ट्रक में 6 कैमरे लगे हुए, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेटर है, he has gone over there और उसने बताया कि देखो ट्रक में उसका आवाज भी है इसमें, बट अभी आवाज रुका हुआ है, उसने बताया कहाँ कहाँ कैमरा है, कैसा है, वो कैसे पकड़ लिया। दिस केस हैज हेल्प्ड अस, अभी आप देखो ये सो ओडी क्लेम वाज फाउंड टू बी जेन्युइन, ये ट्रक को एक्सीडेंट हुआ है जेन्युइन है, ओडी क्लेम नो नेग्लिजेंस ऑफ बैजिंग इंश्योर्ड व्हीकल, ये भी क्लियर हो गया। रिप्रेजेंटेशन डन बिफोर पुलिस स्टेशन फॉर रिट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, वो जो चार्ज लगाया था कि हमारी गाड़ी की गलती है, हमारी गाड़ी की गलती नहीं है, वो रिट्रैक्शन हमने करवाया, इसमें टीपी क्लेम आने वाला था, हायर सेटलमेंट व्हीकल चार्ज शीट ठीक है, इसमें हाई चांसेस था कि हमारी गाड़ी कोई चार्जशीट करने वाली थी, बड़ी गाड़ी है तो चार्जशीट करेगी ना, इसमें अदर टू व्हीकल्स फाउंड टू बी अनइंश्योर्ड, जो दूसरे दो गाड़ियां थी, ये जो वैन है और वो जो बाइक है, वो दोनों इंश्योर्ड नहीं है, और दोनों के बारे में लिखवाना, अभी जो गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है उसके बारे में पुलिस कुछ लिखते ही नहीं है, हमारी गाड़ी ट्रक बैजिंग से इंश्योर्ड है। ये केस में हम लोगों ने 50 लाख का या कितना काम होने हमारी सेविंग हुई इस केस में। अच्छा, एक केस इसमें कोर्ट अगर वी प्रूव इट आल्सो दैट दिस व्हीकल इज नॉट इंश्योर्ड एंड इफ दिस केस गोस टू द कोर्ट एंड इवन इफ वी आर नॉट नेगलिजिबल कोर्ट विल गिव पे रिकवरी। नहीं नहीं, आई विल टेल यू, हमने this is one thought process ki court will give pay and recovery, but I have to start contesting ki sir meri kya galti hai, main sahi tarike se gaadi chalu to bhi pay and recovery do gaya, meri gaadi sahi jagah hai, mera driver sahi jagah hai, mera driver aane wala hai, mera linda company ka malik aane wala hai wahan pe, aur isme humne is truck ko humne kya kiya, iska gaadi repair humne turant jaldi jaldi paisa isko aur jaldi fast kiya taki iska confidence hamare upar bana rahe, kal ye court mein aayega mere sath, तो मेरे आई एम थिंकिंग फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, मेरे क्लेम्स टीम ने यहां मुझे हेल्प किया, मैंने बोला कि भाई इसको प्लीज इसको 7 दिन में इसको क्लोज करो केस, दे हैव डन ऑल दोस थिंग्स। अब देखो क्या होता है कि वी डोंट नो आज से 3 साल बाद कोर्ट, अभी केस आएगा भी कोर्ट में कि नहीं आएगा पता नहीं, हो सकता है इतना चार्जशीट जब लग जाए तो सामने वाला वकील ये केस को लेगा ही नहीं, फ्यूचर फ्रॉड रिस्क मिटिगेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, so these are two case studies I would just like to highlight, this is a case of Pranay Shetty, ये उस act में भी जो नया बना है उसमें बताया गया था। day one of accident होते ही on the very first day of the accident pilot, ये pilot project we have done, this is the first case in India which was done by Bajaj and how it has helped the industry और ये judgment लाने में कैसे help हुआ था। so there was a road accident at 3:45 AM at the police station के बगल में ही, police के बाजू में हुआ था, जहाँ पे होंडा सीआरवी कार हैज रैम्ड विद द पुलिस, तो बैरिकेड पे लगा दिया था और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर गार्ड बैठा था तो उसको लग के वो मर गया। इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, आवर इन्वेस्टिगेटर तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन आया, हमने इन्वेस्टिगेटर को बोला भाई तुरंत लग जाओ तुम। सेकेंड डे इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया हमने घर से, जो विद विच वी वुड identify whether this is a payable, मतलब कितना amount pay होगा, whatever. We did all those calculations, सब हो गया, police के पास चले गए, police also accepted, charge sheet accordingly file हो गया, court में out of court case settle हुआ है, 33 lakh rupees का इसमें saving हुआ है case, क्योंकि उसको शायद what I recall in this case judgment करीब 1 crore का आने वाला था इस केस में, क्योंकि जो जो लगा है उसको, जो
पुलिस ऑफिसर का उसका सैलरी भी हाई था और वो यंग था, तो उसका एज मैटर करता है प्लस उसका सैलरी मैटर करता है, वो भी कोई सीनियर ऑफिसर ही था पुलिस का। तो डेथ हुआ एंड देन 33 लाख रुपीज का उसने हमारी कंपनी को सेविंग हुआ, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड टिप, ये केस बालासोर का केस है। बालासोर में रोड एक्सीडेंट हुआ, टाटा स्टील का कोई एम्प्लॉय था, वो जा रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ। दिस केस वुड हैव रिजल्टेड टू अ 4.45 करोड़ का लाइबिलिटी आता। अगर ये केस कोर्ट में चलता तो कम से कम 4.5 करोड़ का लाइबिलिटी आता। सामने वाले फैमिली को पैसे की तुरंत जरूरत थी, हम लोगों ने उसे डिस्कस किया, वी नेगोशिएटेड एंड दे एक्सेप्टेड दिस फॉर 1.15 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए का सीधा सेविंग। सी द काइंड ऑफ इफेक्ट व्हिच इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस न्यू अमेंडमेंट जो आ रहा है एक्ट में। दिस इज अनदर केस ऑफ मीडिया, यहाँ पे मीडिया फॉर्चुनेटली हेल्प्ड अस। इस केस में अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये एक्सीडेंट हुआ था, अ फेटल एक्सीडेंट रिपोर्टेड इन द प्रिंट मीडिया ऑन 12 जुलाई 2021। लोकेशन वाज नियर कोंगगांव पनवेल। व्हीकल इन्वॉल्वड एक मारुति ओमनी गाड़ी है। ड्यूरिंग टीटी लायबिलिटी इज ऑब्जर्व दैट द टू व्हीलर थर्ड पार्टी लायबिलिटी का केस था, मतलब कमर्शियल व्हीकल है, अरे सॉरी फोर व्हीलर है, बस उसने टू व्हीलर का पॉलिसी लिया था। वो जो फ्रॉड मैंने आपको बताया ना, ये वही वाला फ्रॉड है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये गाड़ी का नंबर गलती से पुलिस ने दे दिया, अरे मीडिया ने दे दिया गाड़ी का नंबर, इसको जूम किया, गाड़ी का नंबर मिला। दिस नंबर भी चेक फ्रॉम आवर कंपनी, पॉलिसी बजाज की थी, बट टू व्हीलर की पॉलिसी। वी वेंट टू द पुलिस, वी एक्सप्लेन देम कि सर ये टू व्हीलर पॉलिसी, देखो ये चोरी कर रहा है, ये गलत किया ना इसने। और ये केस अकॉर्डिंगली उसमें चार्जशीट में वो पॉइंट को इनकॉर्पोरेट किया पुलिस ने। अब इसका इसका हो सकता है कि क्लेम रिकवरी जजमेंट आए, हो सकता है कि सामने वाला कोर्ट में ना जाए, हो सकता है कि इसमें हमको पूरा एक्सोनरेशन मिल जाए, इट ऑल डिपेंड्स क्या होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट आवर इन्वेस्टिगेशन टीम हैज डन अ गुड जॉब ओवर इट, उन्होंने जाके डिफेंस तैयार कर दिया। सो दिस इज दैट केस एंड हियर आई सेटल माय मुंशी केस के आगे के वो ये सब चीजें बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट न्यू चेंजेस आर कमिंग फ्रॉम मोटर टीपी एंड दिस इज हाउ इंडस्ट्री इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म within next 3 to 4 years time. अभी ये जो changes आप देख रहे हैं ये implement होना चालू हो रहा है। इस बजाज ने actively काम चालू किया है, रॉयल सुंदरम ने भी काम चालू किया है, ICICI वालों से भी last month बातचीत हुआ था, they are also going to start this activity. ज़्यादातर कंपनी में ये चालू हो जाएगा फुल फ्लेज। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू अपने आप को तैयार करो, आप लोग जो जो पुलिस स्टेशन जो जो एरियाज में आप लोग स्ट्रांग हो, जैसे आप श्रीनगर में स्ट्रांग हो पूरा जम्मू कश्मीर, आप कंपनी को एश्योरेंस दो कि सर जम्मू कश्मीर के जितने एक्सीडेंट केसेस होंगे आई विल इन्वेस्टिगेट एंड 48 आवर्स में आपको इंटीमेशन आएगा, विद इन 24 आवर्स मेरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, गेट इन टू दैट मोड, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। सर देखो फिर क्या होगा कि मान लो मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं मान लो, और ये महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो मैं इनको बोलूंगा सर आप देख लो मेरे सारे केसेस, क्योंकि आप तो कभी आए नहीं, मुझे बताया नहीं कि आप उसके लिए रेडी हो। तो जो आएगा जिसको मैं पसंद करूंगा उसके साथ काम हो जाएगा। रैदर मैं ये बोलता हूँ कि बेटर ये कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपना पूरा प्लान लेके जाओ, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ कि सर दिस इज द जजमेंट, दिस इज नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दो चार केस स्टडीज निकालो, खुद से जाके इन्वेस्टिगेट कर लो दो चार केसेस में, और उससे इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट दिखाओ कि सर देखो ये आपको करोड़ों का लॉस तो ऐसे बचा रहा हूँ मैं, आप मेरे को फीस तो जो दे रहे हो वही दे रहे हो, इसमें तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट पुलिस ले रही है सब कुछ, अब फीस मेरे को जो दे रहे हो वही दे रहे हो, अगर मैं इस केस में चार्जशीट में अगर मैं इंप्लीमेंट करा दूं डिफेंस तो मेरे को इंसेंटिव दे दो सर, और देगा, कोई एहसान नहीं मांग रहे हो आप, यू आर नॉट आस्किंग एनी ऑब्लिगेशन, इट इज योर राइट एंड आई हैव स्टार्टेड गिविंग दिस। मैंने जो भी इन्वेस्टिगेटर अगर ये चार्जशीट में ऐसा लगाता है डिफेंस को जाकर पुलिस से लाइजनिंग करके, मैंने गुवाहाटी का एक केस में किया है, सिलीगुड़ी के केस में किया है, अरे लाइबिलिटी 1 करोड़ का आने वाला है, अपने क्लियर प्रूफ जाके लगवा दिया कि ये गाड़ी इम्प्लांटेड थी, गाड़ी है ही नहीं, तो मेरा केस खत्म कर दिया ना आपने। इट डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ चार्जशीट में कैसा लिखवाया, अगर ग्रे एरिया है तो शायद नहीं होगा, बट जहां आपने क्लियर कट लिखवा दिया, क्लियर कट एविडेंस आ गया कि ये तो ड्रंक एंड ड्राइव केस था या एक्स वाई जेड या कुछ भी, जिससे हमारी लीगल टीम हैज टू गेट कन्विंस, वी विल गिव इंसेंटिव टू यू गाइस and this is going to be a next line, so my humble request you can look forward for this, it's a good opportunity.
for you guys. Rest all. Sorry, थोड़ा ज़्यादा time ले लिया मैंने, but थोड़ा late चालू हुआ था तो I was going कि ये तो जा ही गई. आपका इतना अच्छा session था कि सब बुक को भी भूल गए. हाँ, yes. जिसको diabetes का problem है, जिसको sugar तो उसको बेचारे को problem हो रहा होगा. जब वो मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत देर से, तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए session के अंदर. तो बाकी I am always available for any one of you. कभी भी आप मुझसे contact कर सकते हैं. मेरा नंबर मार्केट में स्प्रेड है, फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ 8600993403 8600993403 सर हमारा AIDA उस पर आपका सजेशन चाहिए. जैसे सर्वेयर्स के लिए है SMP सर्वेयर मैनेजमेंट पॉलिसी, वैसे हम इन्वेस्टिगेटर मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें उसका पूरा जैसे हमने बताया कैसा इन्वायरमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या ट्रेनिंग होगा. तो हम ऐसा अभी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, तो उस पर मैं थोड़ी आपके दो शब्द चाहूँगा. तो ये 2000 बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इनफैक्ट ये इनिशिएटिव के लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एक मीटिंग किया था 2016 में, और यही पॉइंट मैंने बताया था कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए. एंड हाउ दैट प्लेटफॉर्म शुड बी, आई विल टेल यू. लिखने की जगह नहीं बट मैं आपको वर्बली बोलता हूँ. तो यू गाइस हैव मेक माय ट्रिप में होटल बुक करते हैं, वैसे ही मेरा थॉट है. ये मेरा थॉट है, जस्ट आप कैसा बनाना चाहते हैं. अगर उस समय मेरा इनपुट चाहिए हो तो आप बोलिएगा. तो इन ऑल इंडिया में जितने इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है, सपोज मुझे राजमंडी में इन्वेस्टिगेटर चाहिए, अब राजमंडी में कौन इन्वेस्टिगेटर है मेरे को मालूम नहीं होगा. अब जुबेर जी वहां काम करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जुबेर जी इज बेस्ड आउट एट हैदराबाद. अब वो करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम होगा. और जरूरी नहीं है खाली इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन हो, वहां मैरिज इन्वेस्टिगेशन भी आप लोग देखते हो और 50 और इन्वेस्टिगेशन देखते हो. आपको भी एक आदमी देखना है. तो नॉर्मली हाउ इट शुड बी दैट व्हेनेवर अ रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय अ इन्वेस्टिगेटर, लेट द इन्वेस्टिगेशन कंपनी या हूएवर हैज असाइन दैट वर्क टू गिव अ स्टार रैंकिंग ऑफ योर रिपोर्ट. स्टार रैंकिंग ऑफ रिपोर्ट अगर होगा तो पता चलेगा कितने लोगों ने ओला गाड़ी से जाते हैं ना, स्टार रैंक देते हैं ना, वो पता चलेगा कितना 4.5 है, कितना 3 है, कितना 2 है, कितना 1 है. तो ऑब्वियसली जब मुझे कोई इन्वेस्टिगेटर को काम देना है तो द इन्वेस्टिगेटर हु हैज मैक्सिमम स्टार रैंकिंग मैं उसको काम दूंगा ना, मैं 1 or 2 रैंकिंग वाले को नहीं दूंगा. तो मुझे लगता है दिस यू शुड बिल्ड ओवर देयर, है ना. एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर आने वाले दिनों में, आई एम टेलिंग यू. इनफैक्ट ये मैं कई बार इंश्योरेंस कमिटीज को भी बोल चुका हूँ, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन अपने जो कंपनी के लोग हैं इन्वेस्टिगेटर में भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. ये 5-star इन्वेस्टिगेटर, ये 3-star इन्वेस्टिगेटर, ये 2-star है. अब मेरे को खाली डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम करना है, मैं 5-star वाले को नहीं दूंगा काम, मैं बोलूंगा 2-star वाले को दे दे भाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो बाद में वही होने वाला है, डॉक्यूमेंट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है. अगर अब मुझे पता चला कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर ने पैसा खा लिया या उसके अगेंस्ट एस्केलेशन है या उसकी क्वालिटी खराब है, उसके नंबर कम करूंगा, उसके बारे में रिमार्क लिखूंगा. तो ड्यूअल साइड सोर्ड है, उसके बारे में आपके बारे में दुनिया को पता भी चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, या आपका रिपोर्ट कितना खराब है. तो आपको भी जब टेंशन होगा कि मेरे बारे में सचिव जी यदि कुछ को उल्टा सीधा लिख देगा तो मेरा गड़बड़ है, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको चाहिए क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये क्वालिटी चाहिए. और अगर मैं आपको स्टार कम दे रहा हूँ तो आप मेरे टेबल पे बैठ जाओगे कि सर कम क्यों दिया, सर आप बताओ इस रिपोर्ट में क्या कमी है, इसमें ये है ये है, आप और क्या चाहिए आपको, आप सब कुछ पूछोगे ना, मैं सब कुछ जवाब दूंगा और फिर या तो मैं कन्विंस हो या आप कन्विंस होइए. एंड उसमें ऑब्वियसली यू कैन मेक सम कमिटीज बना सकते हो कि अगर मान लो मैं ऐसे डी टू मेरे को इतना सकल ही पसंद नहीं है, सॉरी है ना, मान लो इतना सकल पसंद नहीं है या मैं चाहता हूँ कि सारा काम इसको जाए इसको ना जाए, तो मैं जानबूझ के इसको 1-1 करता हूँ. तो देयर शुड बी सम कमिटी विच इज अदर देन यू गाइस जो कि उस केस को वो विसल वो रेस कर सकता है अपना एस्केलेशन, और वो कमिटी उसको फिर स्टार रैंकिंग को चेंज करे या कुछ करे. थोड़ा सा यहाँ पे
देखना पड़ेगा वो मतलब कैसे करना है। सो अभी मैं आपको मेरे जो बाकी स्लाइड्स थे ना वो मैंने दिखाया नहीं आपको, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, चालू कर रही है, स्पीच एनालिटिक्स चालू कर रहे हैं, स्पीच फॉरेंसिक। तो अभी क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टिगेशन, आज मैं आपको कोविड हो गया, नेक्सलाइट बेल्ट है, ये आपका रीच नहीं है लेकिन वहाँ जाना है, काम करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो होगा उसके स्पीच एनालिटिक्स के साथ। वो अब वो आजकल पुलिस भी लाइट डिटेक्टर नहीं बोलती है, पुलिस भी कुछ नया वर्ड चालू है, नहीं नहीं एक नया वर्ड बोलती है, मैं अभी रिसेंटली वो तो है ही, वो फोटोग्राफी के लिए आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी मैं एक चीज कंसेंट चाहिए, अभी वो कंसेंट तो जब वो वीडियो क्लिक करेगा तो आ जाएगा। एक और कोई वर्ड मेरे को उस दिन एक सीबीआई ऑफिसर गुजरात में मैं बैठा था, उसने कुछ एक वर्ड बोला, पता नहीं क्या एक वर्ड बोला है, जस्ट गॉन आउट ऑफ माय माइंड। उसमें किसी से परमिशन नहीं लेना है, उसमें बस डायरेक्ट कर लेना है। तो वैसे ही स्पीच एनालिटिक्स ये सब होगा और उसके बेसिस में एक स्कोर जनरेट होगा, देयर विल बी अ स्कोर। तो नॉर्मली क्या होगा कि मैंने आपको वीडियो भेजा, आपने वीडियो ऑन किया, अब आप जब जवाब दे रहे हो मुझे, इसको डिजिटल बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, अभी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज नहीं है, डिजिटल बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको वीडियो पे देख रहा हूँ, आप मेरे को वीडियो में बात करते समय आपका हाव भाव कैसा है, एक्सप्रेशन, पैशन ऑफ स्पीच है, आपका टेंशन कितना ले रहे हो आप जवाब देने में, वो सारे चीज एक स्कोर जनरेट करेगी। वो स्कोर मुझे बताएगा कि इस केस में फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है। तब तक दैट विल नॉट बी एविडेंस, दैट इज स्टिल अ ट्रिगर फॉर मी, इट इज नॉट एन एविडेंस फॉर मी। तो मैं उसको लेकर मेरे को ये तो समझ में आएगा, मान लीजिए अगर आपका स्कोर इज लोअर देन 50 या लोअर देन 10, तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा, इसमें तो जाना ही पड़ेगा, इसमें आप मेरे को इन्वेस्टिगेटर लगाना है, अब मैं 5-star वाला इन्वेस्टिगेटर खोजूंगा, भाई इसमें देखो ये स्कोर भी ऐसा आया है, इसमें गड़बड़ है, ठीक है आप जाओ, मैं चाहता हूँ आप काम करो, तो वहाँ आपका वो वेंडर वो जो चल रहा वो भी काम आएगा, ये सब भी Thank you so much, Sanjeev.